हेलो एवरीवन माय सेल्फ प्रमोद ढाका सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट सीएलसीसी कर तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग हमारा 2016 से लेकर 2019 तक ज़े एडवांस के पेपर में जो हीट फ्लूइड मैकेनिक्स सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस है ना हम लोग उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं देखो यदि मैं बोलूं ना तो हीट जो है वो जे पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है मतलब आपको सिलेक्शन चाहिए ना यार तो हीट मतलब प्रिपेयर तो तो दूसरा इससे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि आप बात करोगे ना, तो पूरे पेपर में जैसे थर्टी सिक्स क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज फोर टू फाइव क्वेश्चन चलो फोर आ रहे हैं तो वन बाई नाइन

कि दो वायर है पी क्यू और आर एस उनके क्यू और आर एंड को सोल्डर किया साथ में अच्छा इनिशियली एंड ऑफ द वायर लेंथ ऑफ वन मीटर एट टेन डिग्री सेल्सियस मतलब क्या बोल रहा है ये जैसे ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R और ये पॉइंट S डिग्री सेल्सियस पर यह वाली जो लेंथ है ना बेटा यह वन मीटर है और यह वाली जो लेंथ है यह भी वन मीटर है यह गिवन इंफॉर्मेशन अच्छा नाउ द एंड पी इज इसका जो टेम्परेचर रखा ना दैट इज डिग्री एंड द एंड्रेड डिग्री मतलब इस वाले पॉइंट का जो टेम्परेचर है temperature is 400 degree Celsius. बोलो ठीक फिर आगे क्या बोल रहा है द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सिस्टम सराउंडिंग से कंडक्टिविटी ऑफ वायर पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ वायर आर एस मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी वायर आर एस की थर्मल कंडक्टिविटी की ट्वाइस है तो मैंने कहा सर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी टू के ले लेते हैं तो ऑब्वियसली इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मेरे पास कितनी आई बोला कि आ गई अच्छा फिर आगे बढ़ाएं बात को द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पी क्यू Okay? Wire PQ. Wire PQ तो मतलब तो ट तो करना है अच्छा अब इसके लिए क्या देखो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट जो है

सिमिलरली इसके लिए कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो के टू है एरिया इसका ए है और लेंथ जो इसकी है ना वो एल टू है तो स्टडी स्टेट में अपन क्या बोलेंगे? स्टडी स्टेट में के वन इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय द लेंथ एल वन इज इक्वस्ट टू के टू टू में ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस टी टू माइनस टी थ्री डिवाइडेड को कैलकुलेशन करने जा रहा हूं बोला ठीक है तो हमने कहा सर देखो हीट ऑब्वियसली ये हाई एंड पे है ना हाई टेम्परेचर है और यह लो टेम्परेचर एंड है तो हीट इधर फ्लो करेगी बोला करेगी कितनी करेगी

अब देखो के ए अपॉन एल से के ए अपॉन एल तो सही हो गया इधर जो डाटा मेरे पास बचा वो आया फोर हंड्रेड इज इक्व टू टू टी सॉरी फोर हंड्रेड माइनस टी इज इक्वस टू टू टी माइनस ट्वेंटी बोला सेट है ये इधर गया फोर हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ये इधर आया थ्री टी थ्री टी इज इक्व टू फोर ट्वेंटी फोर बी से टी इज इक्व टू वोट बोलो और नो, बोला सर सेट है। है है मतलब मेरे को इस वाले पॉइंट का मिल गया। अब देखो यार जो ना वो वायर तो है नहीं, ऑब्वियसली वेरिएबल होगा तो हम उस टेम्परेचर के बारे में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इस पॉइंट का टेम्परेचर वन 10 है तो इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर ड्रॉप है, विल 130 है ना तो मैं उसकी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं कि टेम्परेचर का लेंथ के साथ वेरिएशन किस टाइप से हो रहा है बोला ठीक तो अब मैं अपने क्वेश्चन को बोलूं कि मेरे पास एक वायर पीक्यू है ना जिस वायर की लेंथ मेरे पास वन मीटर है और मैं उसके टेम्परेचर वेरिएशन की बात करूं ना तो ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा आएगा उसका दिस पॉइंट इज जीरोन दिस पॉइंट इज वन कॉमा वन फोर्टी बोलो यस और नो सही तो मेरे को पता है दिस इज टी वर्सेस एक्स मैंने क्या किया इस वाले केस में जैसे वायर पी क्यू है मेरा ना इस वायर पी क्यू में मैंने इसको एक्स एस डिप टू जीरो कह दिया तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास एक्स इज टू वन मीटर के करस्पॉन्डिंग हो गया बोलो yes no. बात सही है, बोला सर है। तो टेंचर एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस में ठीक बात है यहां से पीक्यू के, के अक्रॉस जो है वो टेंपरेचर का चेंज आ गया अभी तरह से फंक्शन ऑफ एक्स बोला ठीक है अब मैंने कहा सर देखो यहां से एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया उस एलिमेंट की लेंथ में जो चेंज डीएल होगा दैट विल बी डीएक्स डीएक्स कब थी उसकी लेंथ डीएक्स तब थी जब टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस था डीएक्स कब थी जब टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस था तो डीएक्स इंटू में वॉट अल्फा इंटू में वॉट द टेम्परेचर डिफरेंस तो टेम्परेचर डिफरेंस की यदि अपन बात करेंगे ना तो वो अपने पास आएगा सर टी माइनस टेन बोलो यस और नो अरे बात सही है क्या बोला ठीक है तो अब हम यदि यहां से बोले कि सर टोटल लेंथ में चेंज क्या होगा तो t माइनस टेन की वैल्यू क्या पुट करोगे t माइनस टेन इज वॉट वन थर्ट सो आई से इज इज टू दिस वैल्यू वोट वन थर्टी एक्स बोला सर ठीक है तो टोटल लेंथ में यदि चेंज की बात करता हूं दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल डेल्टा एल इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट इज वन थर्टी अल्फाइन x dx and the limit is of limit of x goes from जीरो to वन या फिर आप जीरो to l बोल दो l की value आपके पास वन meter put करनी है बोला ठीक है तो यहां से जो data delta l का मेरे पास calculate होकर आ रहा है that value is वन थर्टी अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और x के प्लेस पर क्या पुट करना है वन पुट करना लिमिट पुट करनी है आपको इसमें इंटीग्रेशन की जीरो से वन तक तो मतलब वैल्यू जो है दैट वैल्यू इज वन थर्टी अल्फा बाई टू आ गया अपने पास ओके okay, सर अब मैं यदि इसमें अल्फा की बात करता हूं देखो अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू टेन रेज टू दर माइनस फाइव जैसे ही आप इसमें पुट करोगे दिस वैल्यू बिकम्स 130 थर्टी इंटू वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू दाइनस फाइव डिवाइडेड बाई कितना डिवाइडेड बाई टू बोलो यस और नो अरे बात सही है क्या बोला सर ठीक है वैल्यू <laughs> पुट करोगे पॉइंट सिक्स वन थर्टी इंटू पॉइंट सिक्स दैट इज सेवेंटी एट अप्रोक्सीमेटली तो इस वाले केस में जो अपना आंसर आएगा दैट विल बी आंसर नंबर क्लियर है सर दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओके चलो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर टू की देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू भी देखो मैनिका देखो हीट का क्वेश्चन है ना लैंग्वेज में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है लैंग्वेज उसकी छोटी नहीं है लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है

8 into 10 to the power minus 3 meter cube in a process, such that P cube V raise to the power 5 इस प्रेशर और इस वॉल्यूम तक एक एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जा रही है अगले ने बोला ऐसा और आपको प्रोसेस की जो इक्वेशन दी है वो दिए P पी V वी रेस टू दर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं p फाइव by थ्री is इक्वल to constant बोलो नो अरे बात सही है क्या सो इस इक्वेशन को देख के अपने को ये ये पता चल गया कि जो गैस है इस गैस के लिए गामा जो है ना वो मेरे पास 5 by थ्री है और यदि गैस के लिए गामा आपके पास 5 by थ्री होता है दैट means दिस गैस इज what दिस इज मोनो gas गैस बोलो बेटा जी बात ठीक है बोला सर सेट है आगे बढ़ाते हैं बात को कंसिडर अनोदर थर्मोडाइनमिक प्रोसेस सच दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट इन टू स्टेप्स एन आइसोबारिक एक्सपेंशन पी इनिशियल फॉलोड बाई एन आइसोकोरिक प्रोसेस वी फाइनल द अमाउंट ऑफ हिट सप्लाइड टू द सिस्टम इन द टू स्टेप प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली बोला ठीक है मतलब दूसरे केस में उसी पी इनिशियल वी इनिशियल से पी फाइनल वी फाइनल तक जा रहा है लेकिन एक तो आइसोबारिक बारिक प्रोसेस है और उसके बाद आइसोकोरिक कोरिक प्रोसेस है बोला सर सेट है तो यदि अपन क्वेश्चन में डील करना चाहें देखो, सर। बहुत आसान सा क्वेश्चन बनेगा जैसे मैं सबसे पहले इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं प्रेसर वर्सेस वॉल्यूम कर तो इसका पीवी डायग्राम जो है बेटा वो कुछ इस टाइप का आएगा एक तो यहां से यहां था डायरेक्ट है ना उसको क्यों बनाए यार क्या करेंगे उसका ये वाला पॉइंट हो गया मेरा क्या वी इनिशियल पी इनिशियल और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा क्या वी फाइनल पी फाइनल यदि मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं ना तो यह वाला पॉइंट हो गया मेरा ठीक है दो प्रोसेस है आपके पास फर्स्ट वन इज आईसो बारिक प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज आईसो कोरिक प्रोसेस आईसो बारिक प्रोसेस में यदि आप हीट की बात करते हो जैसे मैं इसमें पॉइंट कर देता हूं लेट दिस इज द प्रोसेस वन

दिस वैल्यू इज गामा आर अपॉन गामा माइनस वन साथ में डेल्टा टी अच्छा देखो गामा अपॉन गामा माइनस वन को तो मैंने बाहर रख लिया बाहर क्या रखा गामा अपॉन गामा माइनस वन इधर जो डाटा है म्यू आर डेल्टा टी है मतलब म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल वी कैन राइट इट पी इंटू में वोट डेल्टा डेल्टावी बोलो यस और नो अरे बात सही है क्या बोला सर ठीक है तो अपने पास जो वैल्यू आएगी बेटा गामा की वैल्यू क्या है गामा मोनो गैस के लिए फाइव बाई थ्री एंड दिस वैल्यू इज गामा माइनस गामा माइनस वन दैट इज टू बाई थ्री इंटू में पी डेल्टा वी वट इज द इनिशियल प्रेशर यदि अपन इनिशियल प्रेशर की बात करें तो इनिशियल प्रेशर है अपने पास

इट इज फाइव बाई टू इन टू में दिस वैल्यू इज टेन डेज टू दाइव इंटू सेवन इन टू टेन डेज टू दर माइनस थ्री सो वी कैन राइट इट लाइक सेवन सेवन हंड्रेड बोलो ये बोला वाली वैल्यू जो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रही है दिस वैल्यू इज कमिंग एज थर्टी फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू जूल ये मेरे पास जो पहला प्रोसेस है आई सो बारीक प्रोसेस इस वाले प्रोसेस को लेकर हीट आ गई बोला सर सेट है अब मैं दूसरे वाले अब मैं दूसरे वाले प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करता हूं ना मतलब इस वाले प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करता हूं तो सर यदि मैं प्रोसेस टू के रिगार्डिंग बात करता हूं ना बेटा तो प्रोसेस टू में जो सप्लाइड हीट है देखो प्रोसेस टू में वी फाइनल इनिशियल से वी फाइनल, पी फाइनल तक जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है है वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू टू की वैल्यू जो होती है वो मेरे पास होती है म्यू सी वी डेल्टा टी बोलो सही है तो यह वाली वैल्यू जो मेरे पास आ रही है ना म्यू कितना है बोला म्यू रखेंगे क्यों दिस वैल्यू बिकम्स म्यू बिकम डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन बोलो यस और नो बोला यस सर अच्छा दिस वैल्यू यदि अपन इसको लिखते म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल अपॉन गामा माइनस वन तो मैं उसको लिख सकता हूं पी इन वी फाइनल पी फाइनल वी फाइनल माइनस प्रेसर तो इनिशियल था और फाइनल जो था इसका वो भी वॉल्यूम फाइनल ही था गामा माइनस वन दैट इज फाइव बाई थ्री माइनस वन दैट वैल्यू कम्स एज वॉट टू बाई थ्री बोला सर ठीक है अब देखो बेटा v फाइनल तो कॉमन p फाइनल माइनस पी, पी इनिशियल की वैल्यू अपने पास की अपने पास कितनी थी थी p p की की अपने जैसे ही अपन इसमें पुट करेंगे v तो बाहर रख लो एट इन टू टेन डेयर टू दाइनस थ्री दिस इज p फाइनल दैट इज वन बाई थर्टी टू माइनस पी इनिशियल दैट इज वन और टेन रेस टू दावर फाइव जो है ना उसको अपन ने बाहर रख लिया सर अपोनेंट गामा माइनस वन दैट वैल्यू इज टू बाई थ्री बोलो यस और नो ये कैंसिल आउट हुआ फोर टाइम्स थ्री ऊपर चला गया तो अपने पास डाटा जो आ रहा है सर इस वाले केस में माइनस वन 10 टेन रेस टू दावर फाइव तो इस वाले केस में जो अपना डाटा सोल्व होकर रहा है ना माइनस थ्री ये तो हंड्रेड बन गया टू वन बाई थर्टी टू माइनस वन दैट वेल थर्टी वन डिवाइडेड बाई थर्टी टू ये टोटल डाटा सोलो के आ रहा है बोला ठीक है तो यदि अपन इसमें देखें किस से कैंसिल आउट हो रहा है ये फोर से कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है ये थ्री टाइम्स हो रहा है ये 8 times हो थर्टी वन इंटू थ्री दैट इज नाइनटी थ्री सो दिस वैल्यू इज माइनस नाइनटी थ्री हंड्रेड डिवाइडेड इनवॉल्व इन द सेकेंड प्रोसेस फर्स्ट फर्स्ट प्रोसेस में कितनी आई थी थर्टी फाइव हंड्रेड बाई टू सेकेंड प्रोसेस में कितनी आ रही माइनस नाइनटी थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई थर्टी टू बोलो सेट है ओ सॉरी दिस इज नॉट थर्टी टू दिस वन इज वॉट सिल आउट हो गया ना तो माइनस नाइनटी थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट जूल सही अच्छा तो अब टोटल हीट इनवोल्व पूछ रहा है तो आप यदि टोटल हीट इनवोल्व की बात करते हो तो डेल्टा क्यू टोटल दैट वैल्यू इज व्हाट डेल्टा क्यू वन प्लस डेल्टा क्यू टू डेल्टा क्यू वन की वैल्यू जो है दैट वैल्यू इज थर्टी फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू एंड दिस वैल्यू इज व्हाट माइनस थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट बोला सेट है देखो हंड्रेड तो कॉमन ले लेते हैं बाहर एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास आया एट दिस वैल्यू इज थर्टी फाइव इंटू में फोर सेवेंटी वन फोर्टी सो इट इज वन फोर्टी माइनस में कितना नाइनटी थ्री इंटू में कितना हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट बोलो सेट है अच्छा तो ये वाला डाटा जो मेरे पास आ रहा है डाटा इज वॉट वन फोर्टी माइनस नाइनटी थ्री दट इज वॉट फोर्टी और इसको मैं लिख सकता हूं ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू बोलो नो अब यदि अपन कैलकुलेट करें इसको तो इसकी वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली अपने पास आएगी दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज़ 588 एट जू बात ठीक है तो यदि अपने क्वेश्चन से बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे पास आएगा आंसर इज़ थर्ड वन क्लियर बात है सर? है सर सेट चलो ठीक फिर बात को आगे बढ़ाते हैं सर ओके कूल वाटर एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ पी वोट अच्छा कि ये पी वोट से वोटर को कूल cool कर सकता है इन ए क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम एच एस shown schematically in figure the water cooler is used to cool an external device that generates constantly 3 kilowatt 3 kilowatt of heat thermal load se 3 kilowatt heat jo hai na matlab bole to 3000 joule heat jo hai ye per second generate kar raha hai isko cool karne ke liye अपन ने वाटर काम में लिया है अब इस वाटर के बारे में इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है

और इस वाटर का टेम्परेचर इनिशियल जो है वो टेन डिग्री सेल्सियस है और थर्टी डिग्री से ये टेम्परेचर जो है ये एक्सीड नहीं होना चाहिए अच्छा सर द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर मिथ द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर थ्री आवर्स इस थ्री आवर्स के लिए मिनिमम थ्री आवर्स के लिए ऑपरेट करना है तो कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो देखो मैं ये सिंपल सी बात बोलूं यदि इसके बारे में इंफॉर्मेशन सोचे तो सर यह बोल रहा है कि एक डिवाइस है तो जनरेटेड पावर कितनी आई जनरेटेड पावर वो बोल रहा है पार्ट थ्री थ्री किलो वोट और कितने टाइम तक आपको उसको ऑपरेट कराना है हमें उसको थ्री आवर्स तक ऑपरेट कराना है थ्री आवर्स तक कराना दैट मीन इट इज थ्री इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड ओके तो यहां से वैल्यू सोल्व करने पर आपने पास आती है दिस इज थ्री ट्वेंटी फोर रेस टू द पावर फाइव जूल मतलब इतनी जो टोटल पावर है वो उस डिवाइस से जनरेट हो रही है हीट के फॉर्म में ये पावर जनरेट हो रही है अब वोटर क्या करेगा इसमें से कुछ हीट जितनी वो रख पाए बाकी तो कूलेंट को काम करना है तो वोटर कितनी रख पाएगा तो हमने कहा सर दिस इज टोटल जनरेटेड पावर इनटू टाइम बोले तो टोटल जनरेटेड हीट बोले सर ठीक तो हमने टोटल जनरेटेड हीट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली दैट वैल्यू इज थ्री ट्वेंटी फोर इंटू टेन टू दर फाइव जो वोटर को कितनी हीट अपन दे सकते हैं मतलब वोटर कितनी हीट अब्सॉर्ब कर सकता है तो हमें इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है कि एक तो वोटर का मास जो है वो वन ट्वेंटी के जी है देखो वोटर की जो डेंसिटी होती है दैट इज थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब

10 रेस टू द पावर 5 जूल इतनी एनर्जी जो है वो वाटर ने रख ली तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कूलेंट क्या हुई देखो इतनी जनरेट हुई इतनी वाटर ने रख ली तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कूलेंट की यदि मैं बात करूं दैट विल बी पावर ऑफ द कूलेंट इनटू द टाइम टेकन एंड दैट वैल्यू इज 324 100.8 10 रेस टू द पावर 5 बोलो यस और नो अरे बात ठीक है क्या बोला सर ठीक तो आपको पावर कैलकुलेट करनी है पावर ऑफ कूलेंट दैट पावर ऑफ कूलेंट इज टू दिस वैल्यू इज थ्री ट्वेंटी फोर माइनस हंड्रेड एंड पॉइंट एट इन टू टेन डेज टू डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा उसको थ्री आवर्स लगा दैट इज थ्री इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड बोलो यस और नो बात सेट है क्या बेटा बोला ठीक तो यहां से यदि अपन इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी टू जीरो सिक्स सेवन वोट क्लियर कितनी टोटल हीट जनरेट हुई जिसमें से वाटर ने कितनी एब्जॉर्ब की तो बची हुई किसको करनी पड़ेगी कूलेंट को करनी पड़ेगी फ्रॉम मतलब वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ द कूलेंट बोलो यस और नो चलो ठीक है सर आगे बढ़ाते हैं बात को ओके okay डियर तो अब आपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दैट करंट कैरिंग वायर हीट से मेटल रोड अच्छा ठीक है सर एक वायर से मेटल रोड को हीट कर रहे हैं द वायर प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर पी टू द मेटल रोड अच्छा ठीक है द मेटल रोड इज एनक्लोस्ड इन एन इंसुलेटेड कंटेनर की रोड को एक इंसुलेटेड कंटेनर में रख दिया वायर से कांस्टेंट पावर मिल रही है मेटल रोड हीट हो रही है इट इज ऑब्जर्वड दैट द टेंपरेचर ऑफ द मेटल रोड चेंजेस विद टाइम टाइम के साथ मेटल रोड के टेम्परेचर का जो वेरिएशन है दैट इज टी टी नोट टू प्लस बीटा रेस अप्रोपरिएट डायशंस वाइल टीनोट इज ए कॉन्स्टेंट विदायचर अच्छा टी नोट ठीक है और बीटा अप्रोपरिएट ठीक है द द हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल हीट कैपेसिटी पूछ रहा है देखो जब भी अपन हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं ना वैसे किसी भी सबस्टांस की हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास इंटू स्पेसिफिक हीट से गिवन होती है

बाई डीटी दैट वैल्यू बिकम्स एम इंटू सी इंटू डी टी बाई डी टी और एम इंटू सी के प्लेस पर अपन क्या पुट कर सकते हैं एच सो दिस वैल्यू बिकम्स एच डी टी अपोन डी टी चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोला ठीक है अगले को हीट कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए डी क्यू बाई डी टी आपको पता है दैट इज द हीट प्रोवाइडेड पर यूनिट टाइम और वो अगले ने क्वेश्चन में दे रखा है दैट अ कॉन्स्टेंट पावर दैट मींस इट इज कैपिटल पी बोला सर ठीक है तो कैपिटल पी की वैल्यू जो है वो अपने पास आती है एच इन टू डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डी स्मॉल टी बोला ठीक है अब हम एक्चुअली एच कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं दट एच इज इक्वल टू कैपिटल एच इज इक्व टू पी डिवाइडेड बाई डी टी डिडेड बाई डी स्मोल टी बोलो सही है मतलब अब एनी हाउ मैं बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लू ना तो मेरे पास एच की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी बोले ठीक है तो अब अपने पास

दैट वैल्यू बिकम्स टी नोट बीटा डिवाइडेड बाई फोर साथ में स्मोल टी रेस टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर मतलब यदि मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो मेरे को टी रेस टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर की वैल्यू चाहिए किसकी स्मोल टू रेस्ट स्मोल टी रेस्ट टू दाइनस थ्री बाई फोर अच्छा अब देखो <coughs> यदि इस वैल्यू के लिए बात करें तो अपने पास यह रिलेशन पहले से गिवन है बोला गिवन है तो इस रिलेशन से अपन आगे बात करें टी इज इक्व टू अपने पास है टी नोट प्लस टी नोट बीटा टी रेस टू द पार वन बाई फोर इसको इधर ले टी माइनस टी नोट डिवाइडेड बाई टी नोट बीटा टा दैट इज स्मॉल टी रेस टू द पार वन बाई फोर तो यदि अपन स्मॉल टी रेस टू द पार थ्री बाई फोर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दन दैट वैल्यू इज टी माइनस टी नोट डिवाइडेड बाय टी नोट बीटा रेस टू द पावर बोट थ्री माइनस थ्री बाय फोर कैलकुलेट करना इन्वर्स कर लो और इसमें पुट करो तो अपने पास सबसे पहले इसकी वैल्यू आ जाएगी डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डी स्मॉल टी दैट वैल्यू बिकम्स टी नोट बीटा डिवाइडेड बाई फोर और ये वाली वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे इनवर्स करके इसमें दिस वैल्यू इज टी नोट क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नोट क्यूब सेट है तो यहां से जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज टी नोट रेस टू द पावर फोर बीटा रेस टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर टी माइनस टी नोट रेस टू द पावर थ्री अब यदि ये वाली वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है एच दैट इज ऊपर तो पी है और ये वाला जो डाटा है ये ऊपर चला जाएगा सो इट इज फोर पी टी माइनस टी नोट क्यूब डिवाइडेड बाई टी नोट रेस टू द पावर फोर बीटा रेस टू द पावर फोर सो दिस इज द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल रोड बोलो ठीक बात है सर अच्छा चलो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को अपन क्वेश्चन नंबर फाइव से शुरू करते हैं अपने ओके डियर तो अब अपन क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोल रहे हैं दैट अ फ्लैट प्लेट इज मूविंग नॉर्मली टू इट्स प्लेन थ्रू ए गैस अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स एफ कि एक प्लेट है ना इस पर आपने इस डायरेक्शन में लेट सपोज कोई फोर्स अप्लाई किया और ये इस गैस मीडियम में ये जो प्लेट है ये मूविंग है लेट सपोज द द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट इज कैपिटल ए अच्छा फिर उन्होंने बोला द गैस इज एट वेरी लो प्रेशर कि गैस का जो प्रेशर है वो बहुत लो रखा गया है एंड द स्पीड ऑफ द प्लेट वी इज मच लेस देन द एवरेज स्पीड यू ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कि प्लेट की जो स्पीड है वो गैस मोलिक्यूल से बहुत लेस है यदि ऐसा होगा ना देखो होगा क्या इस कंडीशन में कि इधर वाले जो हैं गैस मोलिक्यूल की स्पीड जो आगे अपन द एवरेज स्पीड यू ऑफ द गैस मोलिक्यूल गैस मोलिक्यूल्स की जो स्पीड यू है उसके कंपेटिवली बहुत लेस है इसका मतलब जो फॉरवर्ड वाला पार्टिकल है वो भी इसके साथ कोलाइड करेगा और जो बैकवर्ड वाला पार्टिकल है ना बेटा वो पार्टिकल भी इसके साथ कोलाइड करेगा लेस होने का फाइव कि फॉरवर्ड फ्रंट वाले भी कोलाइड करेंगे इधर से आते हुए और बैक साइड वाले भी इधर से आते हुए कोलाइड करेंगे बोलो हाँ चलो फिर आगे बढ़ाएं बात को विच ऑफ ऑब्लिक आर सर पहला बोल रहा है मोर और लेस पहले तो मुझे गैस के थ्रू इस पर लगने वाले नेट फोर्स के बारे में बात करनी है पहली चीज जो समझ में है कि एक्सटर्नल फोर्स आपने एफ लगा रखा है बाकी आप रजिस्टिव फोर्स की बात कर रहे हो तो मतलब आपको इस प्लेट पर गैस के जो लगने वाला फोर्स उसकी बात करनी है। अच्छा फिर जीरो प्लेट का तो एक्सीलरेशन तो की भी बात करनी है और अगले में कह रहा था प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यू वी ओके सर प्रेशर डिफरेंस मतलब फोर्स की बात कर ली तो प्रेशर डिफरेंस अपने आप आ जाएगा ओके okay, चलो फिर अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो मैंने कहा देखो सर सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे मैं इस वाले केस में दो पार्ट कर लेता हूं कि एक तो जो फ्रंट वाले मॉलिक्यूल्स आगे से जो आ रहे हैं उसके पास प्लेट के पास इधर से आ रहे हैं और दूसरे बैक वाले जो मॉलिक्यूल्स प्लेट के पीछे से आ रहे हैं मैं उन दोनों के बारे में डिस्कशन करूंगा बोले ठीक पहले फ्रंट वालों की बात करते हैं ना तो फ्रंट वालों के केस में लेट सपोज ये प्लेट जैसे इधर भी स्पीड से मूविंग है ये वाला गैस मोलिक्यूल जो है वो प्लेट के कंपेरिटिवली यदि मैं प्लेट के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी की बात करूं दैट तो वेलोसिटी विल बी यू प्लस वी, यू प्लस वी बोलो हाँ ना बोला हाँ तो दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन और यदि मैं आफ्टर कोलिजन की बात करता हूं तो आफ्टर कोलिजन प्लेट की वेलोसिटी पर तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा सर गैस मोलिक्यूल हैं बहुत लाइट है और ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्लेट के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे जिनकी वेलोसिटी होगी बोलो यस yes और ये अपन ने कोलिजन वाला केस पढ़ा था ना कोलिजन वाले केसेस याद है बेटा जब कोलाइडिंग मास पार्टिकल की वेलोसिटी हो और कोलाइडिंग मास पार्टिकल जो है वो बहुत लाइट मास का हो तो अपन उसकी वेलोसिटी v1 की वैल्यू कैलकुलेट करते उसी तरीके से अपन ने यहां पर ये कैलकुलेट किया कि ये इनिशियली इसके तरफ आ रहा होगा यू प्लस वी स्पीड से बाद में ये जा रहा होगा यू प्लस वी स्पीड से बोलो ये सो तो यदि इसके टोटल मोमेंटम में मैं चेंज कैलकुलेट करता हूं डेल्टा पी देन दैट विल बी मास एक पार्टिकल का इन टू में टू टाइम्स यू प्लस वी ये मोमेंटम में चेंज आया बोला हां तो फोर्स क्या होता है फोर्स की यदि मैं बात करूं हर एक गैस मॉलिक्यूल के लिए सेम होगा बोला हां तो दिस वैल्यू विल बी टू यू प्लस वी बाकी डाटा तो कांस्टेंट है वेरिएबल क्या लेंगे फिर अपन मास वेरिएबल लेंगे तो साथ में क्या टिका देंगे डीएम बाई डी टी बोलो यस और नो सही है अच्छा अब बात आती है सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएम बाई डी टी देखो बेटा यदि मैं डीएम बाई डी टी की बात करूं ना जैसे मान लो ये प्लेट जो है ये वी स्पीड से मूविंग है और यहां पर कोई मोलिक्यूल है गैस का जो यू स्पीड से मूविंग है और इन दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन मैंने लिया है ये मैंने ले लिया यू प्लस वी ठीक है क्या इसका मतलब देखो एक सेकंड में यदि ये सिचुएशन इक्वल टू जीरो की है तो ये प्लेट और ये मोलिक्यूल एक सेकंड में कोलाइड होंगे यस yes? इसका मतलब इनके बीच में प्रेजेंट जितने भी गैस मोलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मोलिक्यूल्स इस टाइम ड्यूरेशन में इस प्लेट के साथ कोलाइड कर जाएंगे बोला यस प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि मैं कैपिटल ए लेता हूं तो मेरे पास फोर्स की कैलकुलेशन से जो फोर्स आता है डीएम बाई डी आता है वो अपन लिख सकते हैं कि डीएम बाई डी तो सीधा सीधा यहां से दिस वैल्यू इज रो इन टू ए साथ में क्या यू प्लस बी बोलो यस और नो अरे सही है क्या अच्छा ये अपने पास डीएम बाई डी है जैसे वैल्यू मैंने उसमें पुट की फ्रंट वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स इस प्लेट के ऊपर अप्लाइड हो रहा है एफ फ्रंट दैट इज कमिंग एस ट्वाइस रो ए यू प्लस वी का होल स्क्वायर बोलो बेटा जी बात ठीक है क्या ओके सिमिलरली यदि मैं बैक साइड वाले मोलिक्यूल्स की बात करता हूं ना जो प्लेट के पीछे की तरफ है यह प्लेट इस डायरेक्शन में मूविंग है वी स्पीड से यह वाला मोलिक्यूल प्लेट के रेस्पेक्ट में यू माइनस वी स्पीड से आ रहा होगा विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेट दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन यदि आप बात करोगे तो बोले सर कोलिजन से प्लेट की वेलोसिटी पर तो कोई उस छोटे से मॉलिक्यूल के लिए इंपैक्ट नहीं आना और इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी कितनी बोलो यस यस और नो बोला सर सेम सेम टू कैलकुलेशन है एक ही चीज का फर्क पड़ रहा है वहां पर था U +V और यहां पर क्या है यू माइनस वी तो मैं कहूं बैक साइड के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा ना दैट वैल्यू विल बी ट्वाइस रो ए यू माइनस वी का होल स्क्वायर बोलो भाई बात सही अच्छा अब देखो यदि मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं ना तो फ्रंट वाला मोलिक्यूल ऐसे कोलाइड हो रहा है तो वो प्लेट पर बैकवर्ड इधर फोर्स लगाएगा और बैक वाले मोलिक्यूल जो वो ऐसे कोलाइड हो रहे हैं, तो प्लेट पर इधर फोर्स लगाएंगे मतलब ये वाला जो फोर्स है ना बेटा यदि मैं डायरेक्शन के बेसिस पर बात करूं तो ये फोर्सेस कुछ इस टाइप से लिखे जाएंगे बोला हाँ लिखे जाएंगे वेक्टर फॉर्म में बात करें तो सही है क्या अच्छा तो नेट फोर्स की यदि मैं बात करता हूं ना गैस मोलिकूल से दिस माइनस दिस बोलो yes और नो तो नेट फोर्स यदि मैं कैलकुलेट करता हूं एफ फ्रंट प्लस एफ बैक साइड बोला यस yes. तो ये फोर्स कैलकुलेट करने पर अपने पास दिस प्लस दिस जैसे ही करोगे ना ये वाली वैल्यू आएगी एट रो ए साथ में माइनस का आई कैप ये नेट फोर्स लग रहा है गैस मोलिक्यूल्स के थ्रू बोलो यस और नो बोला सही है तो जब आप नेट फोर्स निकाल लिया तो प्रेशर डिफरेंस देखो एक वो जो ऑप्शन था ना उसमें कौन सा द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लेडिंग एंड ट्रेलिंग द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यू तो जब आप प्रेशर डिफरेंस की बात करोगे तो प्रेशर जो होगा वो एफ नेट अपॉन एरिया होगा दैट वैल्यू विल बी एट रो यू वी बोलो यस और नो

तो मैं कहूंगा एफ माइनस एफ रजिस्टिव जो है जो ये जो नेट फोर्स लगा ना ये वाला ये वाला एफ रजिस्टिव ये मेरा रजिस्टिव फोर्स है तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास ओ कैंसिल आउट हो गया क्या ट्वाइस रो ए प्लस वी का होल स्क्वायर साथ में माइनस का आई कैप है F minus F resistive, that value will be written as mass into acceleration. Plate ka mass to constant hai. That is M into dV by dt. Bolo yes or no. Jab aap isko likho ge, jase mein kisi constant ki term mein likho, to mein isko likh sakta hon, K into me V. Bola haan. Is equals to M dV by dt. Ab dekho, yadi isko mein solve karta hon na, to mere ko pata hai ki velocity jo hai, wo as a function of exponential function ki form mein aayegi. And after that, after some time, सम टाइम कितना भी हो सकता है वो डिपेंड करता है एक्चुअली फोर्स कैपिटल एफ पर और रजिस्टिव फोर्स उस मीडियम की डेंसिटी पर <laughs> जो गैस कोलाइड हो रहे हैं उस मीडियम में गैस मोलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है टाइम बहुत लार्ज भी हो सकता है बहुत स्मॉल भी हो सकता है बट नो डाउट फाइनली द प्लेट विल मूव विद अ क्रिटिकल टर्मिनल वेलोसिटी बोलो यस और नो

वो कह रहा थ्री हंड्रेड कैलविन के लिए सिग्मा टी नोट रेस टू द की जो वैल्यू मेरे पास आती है ना दैट वैल्यू इज कमिंग एज फोर सिक्स पर मीटर स्क्वायर ओके अब वो क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन को समझना ना ऑप्शन ऑप्शन बाय चलना पड़ेगा अपने को एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा इसका कि इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूस बाई ए स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी नोट वेरी वेरी लेस देन टी नोट देन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर एट द सेम लिविंग ह्यूमन बींग नीड्स टू रेडिएट दिस मट अमाउंट ऑफ मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम ओके सर चलो फिर देखते हैं तो हमने कहा सर देखो ऐसा है जब अपन जनरली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या फिर क्यू बाई टी की वैल्यू कैलकुलेट कर, करते हैं तो ये आपका ई e सिग्मा ए टी रेस टू द पावर फोर माइनस टी नोट रेस्ट टू द पावर फोर एरिया तो है।, है तो कैपिटल ए को तो मान के चलता हूं कि तो ना। ये वाला डाटा जो मेरे पास आएगा दट इज ई सिग्मा इसको मैं लिख सकता हूं देखो टी नोट प्लस टेन कहा है सो इट इज टी नोट प्लस टेन रेस टू दर फोर माइनस सॉरी दिस डाटा इज टी नोट रेस्ट टू दर फोर नोट फोर तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो ऐसे ही करते हैं टी न पार्टी डिवाइडेड बाई टी नोट रेस्ट टू दाइनस वन जब आप इसको सोल्व करते हो तो डाटा आपके पास आता है फोर्टी सिग्मा दिस इज टी नोट दिस इज नॉट टी नोट रेस टू दर फोर टी नोट यार ठीक है माइनस वन वन से वन शहीद हो गया ये वाला डाटा कुछ इस टाइप से आ जाता है फोर्टी e सिग्मा टी नोट क्यूब ठीक है अच्छा अब दूसरे वाले केस में जब मैं इसको सोल्व करता हूं ना कि आपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को डेल्टा टी से कम ले लिया तो क्यूबाई टी दैट इज द इनिशियल क्यूबाई टी अब यदि आप क्यूबाई टी फाइनली कैलकुलेट करते हैं दिस इज द क्यूबाई टी इनिशियल और क्यूबाई टी फाइनल यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डाटा जो आएगा दैट विल बी ई सीग्मा ए वाला डाटा तो अभी भी टी नोट प्लस टेन ही है टेन रेस्ट टू द पावर और ये वाला जो डाटा है ना दिस बिकम्स टी नोट माइनस डेल्टा टी रेस टू द पावर फोर डेल्टा टी ले रहा है कि डेल्टा टी नोट ले रहा है डेल्टा टी नोट ले रहा है दिस इज डेल्टा टी नोट अच्छा तो जब अपन इसको सोल्व करते हैं ना तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आती है फोर टी ई सिग्मा टी नोट क्यूब ये तो पहले वाला डाटा ही आता है फिर दूसरा प्लस में और आता है प्लस में जो डाटा आता है वो आता ई सिग्मा एरिया तो वन है ही और ये डाटा मेरे पास आता है टी नोट क्यूब साथ में फोर इन टू में डेल्टा टी नॉट बात सेट है क्या तो यदि आप क्यूबाई टी इनिशियल और क्यूबाई टी फाइनल का कंपैरिजन करते हो ना तो फाइनल वाले केस में फोर ई सिग्मा टी नोट क्यूब डेल्टा टी नॉट की पावर एक्स्ट्रा आ रही है बोला हाँ इन्होंने इसको ई की वैल्यू जो है वो अपने पास वन लेकर सोल्व किया है तो सर इस वाले केस में मैं कहूंगा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है देखो आप इजीली इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हो बोलो यस और नो ये इनिशियल और ये फाइनल तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वही है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में यही तो गिवन है दैट मीनस द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बोला सर सेट है आगे बढ़ाएं बात को चलो फिर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं वो बोल रहा है इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली देन द पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी वु लॉन्गर वेव लेंथ देखो इसका कांसेप्ट क्या लगाते हैं सर अपन अपन इसके लिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करते हैं कि एम इंटू मैटी टू कॉन्स्टेंट होता है जब आप किसी ब्लैक बॉडी का ई लैम्डा वर्सेज लेमडा ड्रॉ करते हैं ना बेटा ई लैम्डा वर्सेज लैम्डा, तो इसका ग्राफ जो आता है ना ब्लैक बॉडी का कुछ इस टाइप का आता है और ये टेम्परेचर के साथ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिशन ये जो है आपका वेवलेंथ का मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एमिशन के वेवलेंथ है और जैसे ही आप की को इंक्रीज करते हैं ना तो ये वाला जो वेवलेंथ है ये ये एक्चुअली किधर शिफ्ट होता है ये वाला है वाला वेवलेंथ जो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में सोल्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है अब उसने हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है आओ सर इधर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द बॉडी टेम्परेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली देन द पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन

डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर तो इस वाले केस में एरिया जो है ना सर वो कह रहा है कि रिड्यूस कर दो जैसा ये वाली चीज करते हैं ना सर्दियों में मतलब इंसान ऐसे होकर बैठता है कि नहीं बैठता है. वो अपने एरिया को जो है ना वो रिड्यूस कर रहा है तो एरिया रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी लॉस जो होगा रेडिएशन से वो भी रिड्यूस होगा सो द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ ऑप्शन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन वन सेकंड इज क्लोज टू जूल वो बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है देखो इसमें ना इस ऑप्शन में मिस्टेक मतलब वैसे ये इसको क्या माना जाए उसके ऊपर डिपेंड करता है फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट और दे मे बी इनकरेक्ट अपन इनको मान के चल रहे हैं, पर अपन इनमें एक चीज लेकर चल रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना देखो यदि आप क्यू बाई टी फाइनल की बात करोगे ना तो क्यू बाई टी फाइनल आपके पास ये आता है दैट वैल्यू इज फोर्टी ई सिग्मा टी नोट क्यूब प्लस sigma e टी नोट क्यूब डेल्टा टी नोट ठीक है यदि अपन डाटा बेटा जी ये एक्स्ट्रा एनर्जी वाला लेते ना तब तो इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो आपके पास 60 जूल आएगा लेकिन अब इन्होंने इस बारे में स्पेसिफाई नहीं किया है तो मतलब थोड़ा सा उलझन वाला सा था बाकी जेई ने करेक्ट माना है तो अपने को भी मानना पड़ेगा क्या करें ना द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाई ए बॉडी इन वन सेकंड इज क्लोज टू 60 जूल मतलब ये एक्स्ट्रा वाले की बात कर रहा है तो एक्स्ट्रा वाले की जब आप बात करोगे तो आपके पास गिवन डाटा क्या है सर गिवन डाटा जो है वो ये रहा कि सिग्मा टी क्यूब किस टू फोर सिक्सटी बोला ठीक है तो यदि आप डाटा कैलकुलेट करते हो सिग्मा टी नोट क्यूब दैट वैल्यू इज फोर सिक्सटी डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड और अब इसमें पुट करते हो ना डेल्टा क्यूब बाई टी एक्स्ट्रा वाले की कैलकुलेशन करवाता है ना तब ये डाटा ऑब्वियसली फोर इंटू में फोर सिक्सटी डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड इंटू डेल्टा टी इज वॉट दैट वैल्यू इज टेन दिस वैल्यू कम्स एज अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी वन या फिर सिक्सटी जूल बोल दो आप कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी जूल के इक्वल आती है सो द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बट बस इसमें यही बात है कि वो एक्स्ट्रा की बात करता है या टोटल की बात करता है यदि वो टोटल की बात कर रहा है ना तब तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और यदि वो एक्स्ट्रा वाले की बात कर रहा है ऑप्शन इज करेक्ट क्लियर बात है सर चलो ठीक आगे बढ़ाते हैं बात को आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं देखो सेवन में क्या करें ये सरफेस टेंशन का वो क्वेश्चन है देखो जेई के पेपर में मैं ओवरऑल बात करूं ना तो पांच सात क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं आपको फॉर्मूला पता देन यू विल हिट द क्वेश्चन सिंपल सा इतना सा फंडा उस क्वेश्चन का जैसे इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं सेवंथ की

अकेला जी नहीं है सर ये जी इफेक्टिव होता है मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेल है तो जी इफेक्टिव अपना जी प्लस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्से रेटेड होता है, तो जी इफेक्टिव अपना कितना जी माइनस है तो ऑब्वियसली अपने को पता है कि एच जो है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा सो आई से दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट देखो एग्जाम में जी एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत इजी गोइंग सा है एक फार्मूला पता है तुमको तुम क्वेश्चन नीट कर रहे हो गिवन capillary ऑफ h ट्यूब एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा सिग्मा इज tension. Surface tension को अपन ने टी से लिखा है सिग्मा से लिखा है तो क्या एच इंडिपेंडेंट होता है नहीं होता सर थर्ड ऑप्शन की बात करें इन दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड इन लेफ्ट गोइंग acceleration, then h डिक्रीजेस देखो जब आप गोइंग अप की बात करोगे ना तो गोइंग अप वाले केस में आपके जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है ना सर दैट वैल्यू इज जी प्लस ए तो आपका जी इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो एच क्या करेगा ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा सो द थर्ड ऑप्शन इज इज करेक्ट फोर्थ ऑप्शन द एच टू कॉन्टेक्ट एंगल थीटा है क्या नहीं एच कोस थीटा के प्रपोर्शनल है एच थीटा के प्रपोर्शनल नहीं है सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन आर वन एंड थ्री क्लियर है बेटा चलो फिर बात को आगे बढ़ाते अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखो उसमें क्या बोल रहा है

देखो प्रोसेस फर्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है सर वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस तो नहीं है मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है सर वो इनकरेक्ट है अच्छा ठीक है सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा है देखो सेकंड ऑप्शन जो है वो मैं कहूं ये वाला सेकंड प्रोसेस ये है ये वाला एक कौन सा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है और इस आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वो कह रहा है कि गैस एब्जॉर्ब हीट कह रहा है तो देखो बेटा जी इसके लिए यदि मैं बात करूं प्रोसेस सेकंड में आप क्यू की जो वैल्यू पुट करोगे ना डेल्टा यू तो आपके पास जीरो होगा और डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी दैट विल बी म्यू आर टी लोग इनिशियल बिल्कुल फॉर्मुला सा क्वेश्चन है यार ना म्यू आर टी लोग अब बोले सर देखो ऐसा है क्या इस वाले प्रोसेस में सेकेंड वाले प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बोला सर हो रहा है इसका मतलब सेकंड वाले प्रोसेस में क्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा मतलब गैस जो है वो हीट को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा बोला ठीक है मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात को इन प्रोसेस फोर थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि प्रोसेस फोर में गैस जो है वो हीट को रिलीज कर रहा है देखो प्रोसेस फोर जो है वो सेकंड वाले का जस्ट अपोजिट है सेकेंड वाले में वी फाइनल ग्रेटर था और फोर्थ वाले में वी इनिशियल गैस क्या कर रहा है हीट को रिलीज कर रहा है बोलो ये yes no. अच्छा तो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट नाउ आई एम ऑप्शन प्रोसेस फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट आइसोबारिक प्रोसेस फर्स्ट क्या आइसोबारिक है नहीं है आइसोबारिक प्रोसेस होता है तो वीटी ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करने वाला होता क्या इसमें है नहीं है मतलब फर्स्ट आईसो नहीं है थर्ड वाले की बात कर रहा है थर्ड वाले में भी क्या ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा तो थर्ड वाला भी आई नहीं है तो यह भी मेरे प्र... बेसिस पर एक हीट से आने वाला देखो मैंने बोला ना हीट से क्वेश्चन में या तो मॉडरेट क्वेश्चन होगा थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल हो सकती है बाकी क्वेश्चन जो होगा ना वो बहुत इजी गोइंग सा होता है तो देखो प्रूफ है इस बात का या तो इजी क्वेश्चन है या मॉडरेट है टिपिकल क्वेश्चन तो हीट से आ ही नहीं रहा है

ठीक बेटा इस प्लेट को हम इस डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू नोट से पुल कर रहे हैं यदि इसकी हाइट एच होती है लिक्विड का ऑफ विस्कोसिटी नीटा होता है तो इस पर जो अप्लाइड फोर्स होता है ना एफ उसकी वैल्यू होती है मेरे पास नीटा ए डीवी बाई डीवाई होता है वैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट उसकी वैल्यू मेरे पास यूनोट डिवाइडेड बाई एच डीवी बाई डीवाई होता है ना तो डीवी बाई यू यूनोट लोएस्ट पॉइंट के लिए जीरो बोलते हैं अपन डेप्थ h बोला ठीक है ये फोर्स लगेगा विस्कोसिटी की वजह से अच्छा तो सर पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में कह रहा है कि द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h बोला बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अच्छा सेकंड बोल रहा है रेजिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेट क्या एरिया से इंडिपेंडेंट है नहीं है सर सीधा से दिख रहा है को दिस वैल्यू इज नीटा ए यू नोट अपोनेंट एच तीसरा द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक ऑब्वियसली सर कि जैसे जैसे यू नोट इंक्रीज होगा ये फोर्स भी इंक्रीज होगा फोर्स इंक्रीज होगा तो सियर स्ट्रेस जो होगा बॉटम पर वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा बोला होगा

इसमें बोल रहा है वन मोल ऑफ ए मोना आइडियल गैस गोस थ्रू थर्मोडा साइकिल है वॉल्यूम वर्सेज टेम्परेचर वी डायग्राम कि एक मोना आइडियल गैस है ना उसका एक मोल है उसका वी डायग्राम अपने को शोन है और ये पूछ रहा है कि इस डायग्राम के बेसिस पर आपसे इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है जैसे इसने चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये चार स्टेटेड स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यार ठीक है सर तो जैसे अपन वन बाय वन से शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग वन टू एंड थ्री फोर इज दिस एक तो मोड लिया है. तो वन टू की यदि मैं बात करूं ना देखो वन टू ये वाला प्रोसेस है वन ये वाला और टू ये वाला तो वन टू जो प्रोसेस है ना दैट इज आइसो बारिक प्रोसेस और आइसो बारिक प्रोसेस में हीट इन्वॉल्व का जो वैल्यू होता है ना ये अपने पास जिसे में लिखू क्यू वन टू तो क्यू वन टू की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी वैल्यूल डेल्टा टी डायरेक्ट सीधी बात करें तो बोलो यस और नो तो सर आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू वन से टू में डायरेक्ट है ना यार टू की टेम्परेचर टू का टेम्परेचर टू टी नोट और वन का टेम्परेचर टी नोट है तो ये वाली वैल्यू जो क्यू वन टू की मेरे पास आ रही है दैट इज म्यू सी पी एंड दिस वन इज टू टी नोट फाइनल टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर दैट वन इज वोट

टी नोट बोलो ठीक है तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रही है दैट इज माइनस म्यू सी पी टी नोट डिवाइडेड बाई टू ठीक बात ये अपने पास क्यू वन टू और क्यू थ्री फोर डिवाइडेड बाई टू ये वैल्यू आ गई अब अपने से क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है रेशियो तो जैसे आप रेशियो की बात करोगे क्यू वन टू डिड बाई क्यू थ्री फोर और उसका भी क्या ले रहा, मोड ले रहा है, है तो सिंपल आउट हो गया वैल्यूज टू और नो yes no. अरे सही है। चलो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं अब मैं दूसरे वाले के लिए बात करता हूँ क्यू वन टू और क्यू टू थ्री की बात कर रहा है तो अपन ने क्यू वन टू और थ्री फोर कैलकुलेट कर रखा है थ्री फोर की अब अपने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हटा देते हैं एक बार वन टू और टू थ्री की बात कर रहा है ये वन टू के लिए अपन ने कैलकुलेट कर लिया अब मैं बात करता हूं किसके लिए बेटा टू थ्री देखो टू थ्री कैसा प्रोसेस है इज आइसोकोरिक प्रोसेस तो यदि अपन क्यू टू थ्री की कैलकुलेशन करते ना तन दैट वैल्यू विल बी म्यू सीवी डेल्टा टी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन तो अपना वैसे भी कितना होता है जीरो होता है और प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होता है उसकी वैल्यू म्यू सीवी डेल्टा टी

थ्री तो रेशियो और रेशियो का भी क्या लेना है सर मोड लेना है तो ये अपने पास वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रही है ऑप्शन सेकेंड वन इज करेक्ट बात सेट so है बोला ठीक अब वो अगले ऑप्शन में बात कर रहा है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक साइकिल वन टू थ्री फोर वन मतलब इस थर्मोडाइनमिक साइकिल में कंप्लीट डन की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है बोले ठीक है अपने को इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनको हटाए यहां से ठीक है सर अब मैं वन टू टू थ्री थ्री फोर और फोर वन क्या करता हूं एक एक के लिए अलग अलग वर्क कैलकुलेट कर लेता हूं और बाकी टोटल वर्क में ऐड कर देंगे जैसे मैं इसमें एक चीज कह सकता हूं क्या कि सर डब्ल्यू टू थ्री डब्ल्यू फोर वन जो है बोलो सही बोल रहा क्या? सोचो इस बात को क्योंकि uh, four, one, जो है वो प्रोसेस है, है, और two, three, जो है न, वो भी प्रोसेस है, है. इसका मतलब टू थ्री और फोर वन दोनों में वर्क डन की जो वैल्यू होगी ना दैट वैल्यू विल बी जीरो अब मेरे को डन एक्चुअली कैलकुलेट करना वन से टू में और थ्री से फोर में बोला ठीक तो जैसे मैं डब्ल्यू वन से टू की बात करता हूं तो वर्गन जो होता है एक तो आईसो बारिक प्रोसेस में पी डेल्टा भी होता है और एक इसकी वैल्यू होती है म्यू आर डेल्टा टी सही है क्या म्यू नंबर ऑफ मोल्स आर, वन, आर। टी की बात करते हो ना यदि आप प्रोसेस वन टू को लेकर वन टू को लेकर बात करते हो तो टू का टेम्परेचर टू टी नोट है और वन का टेम्परेचर टी नोट है तो यहां जो टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व होगा दैट विल बी टू टी नोट माइनस में वोट टी नोट दिस डन इन दिस प्रोसेस वन टू इट इज आर टी नोट बोलो यस और नो सही अब मेरे को वर्क डन देखना थ्री फोर में तो थ्री फोर भी जो है ना वो एक आईसो बारिक प्रोसेस है तो थ्री फोर का भी वर्क डन अपन म्यू आर डेल्टा टी से ही कैलकुलेट करेंगे आईसो बारिक प्रोसेस का <laughs> अच्छा तो डब्ल्यू थ्री फोर की वैल्यू यदि मैं कैलकुलेट करूं दट इज म्यू आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल द नंबर ऑफ मोल्स आर वन इट इज आर टी फाइनल की जो वैल्यू है फोर का टेम्परेचर माइनस थ्री का टेंचर फोर का टेम्परेचर है टी नोट बाई टू और का है टी नोट तो यहां से जो वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रही है ना वो वैल्यू आ गई माइनस आर टी नोट बाई टू बोले ठीक तो अब आप W टोटल की बात करो देबल टू प्लस डब्ल्यू टू थ्री प्लस थ्री 34 प्लस तो 23 और 41 तो जीरो है तो 12 plus 34 जीरो

फिर वो बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑब्लिक आर आर करेक्ट कि इनमें से से कौन से जो है वो करेक्ट है बोला ठीक है देखो इन्होंने क्या दो कॉन्फिगेशन लिएगेशन सेकंड में टी टू नीचे है और टी वन ऊपर है तो हम कॉन्फिगेशन बाई बात कर लेते हैं जैसे कॉन्फिगेशन फर्स्ट को लेकर दो ऑप्शन दिए इन्होंने कौन कौन से सेकंड और थर्ड कॉन्फिगेशन सेकंड को लेकर इन्होंने एक ऑप्शन दिया दैट इज सेकेंड वन फर्स्ट ऑप्शन ठीक है तो अपन ऑप्शन बाय ऑप्शन यदि इसकी बात करें तो जैसे मैं फर्स्ट वाली कैपिलरी ट्यूब के लिए यदि बात करता हूं ना देखो तो फर्स्ट वाली कैपिलरी ट्यूब में यदि आप हाइट की वैल्यू लिखोगे ना तो हाइट की वैल्यू विल बी टू टी कोस जीरो डिवाइडेड बाय आर रो जी एंड दैट वैल्यू इज टू वॉट इज द वैल्यू ऑफ सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन जो इन्होंने डिफाइन कर रखा है वैल्यू ऑफ कोस जीरो जीरो इज वन डिवाइडेड बाई व रेडियस रेडियस ऑफ द क्यूब इज पॉइंट टू एम एम दैट मीनस इट इज टू इन टू टेन डेज टू माइनस फोर वॉट इज द डेंसिटी ऑफ वॉटर वॉटर ही तो बोल रहे ना

<laughs> जैसे मैं सबसे पहले थर्ड की बात कर लेता हूं थर्ड और फर्स्ट में थोड़ा सा चेंज है फर्स्ट वाला बहुत इजी गोइंग सा है कि फॉर केस फर्स्ट इफ जॉइंट इज कैप्ट एट एट सेंटीमीटर अबो द वॉटर कॉलम इन द ट्यूब विल बी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वो कह रहा है ये जो केस फर्स्ट है ना जिसमें क्या है सर कॉन्फिगेशन फर्स्ट जो है ना आपकी उस कॉन्फिगेशन फर्स्ट में दो ट्यूब्स इस टाइप से है ना और ये जो जॉइंट है ना

मतलब कैपिलरी जॉइंट देखो पिछले केस में तो क्या था आपका वोटर जो है वो यहां तक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके गया और ये वाली जो हाइट आपके पास आनी थी दिस हाइट इज कमिंग सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लेकिन दूसरे वाले केस में उसने क्या किया बोला सर इसी कॉन्फिगेशन ऐसा ही है कि टी वन नीचे और टी टू ऊपर है बट इस वाले केस में ये जो हाइट है ना बेटा ये हाइट इन्होंने फाइव सेंटीमीटर ली है बात समझ रहे हो तो वो जानना चाह रहा है इस केस में क्या होगा देखो जब भी इस टाइप का केस आए ना तो दिमाग में सेट रखना क्या होगा वोटर T1 से T2 में नहीं जाएगा वोटर T1 से T2 में नहीं जाएगा तो फिर बोले क्या होगा फिर क्या होगा कि ये मैक्सिमम हाइट तक वोटर जाएगा वोटर मैक्सिमम हाइट तक जाएगा मतलब किस तक जाएगा फाइव सेंटीमीटर तक तो जाएगा उसके बाद जो उसका मीनिस्कस बनता है ना मिनिस्कस पहले कितने डिग्री का बनता था इस वाले केस में देखोगे के तो मिनिस्कस जीरो की होती है ना, तो ये जो एंगल है कॉन्टेक्ट एंगल इसकी वैल्यू चेंज होना स्टार्ट होती है और वो धीरे 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 तरफ किसकी तरफ बढ़ता है फ्लैटनिंग की तरफ बढ़ता है ओवरफ्लो कभी भी होता है क्या ओवरफ्लो कभी भी नहीं होता है तो जो दूसरी ट्यूब है ना ऊपर वो है चाहे नहीं है

देखो बेटा, टू वाला केस जो है वो इसमें दे रखा है first वाले ऑप्शन में। कि जॉइंट इज फाइवी सर्फेसम सेवन फाइव सेंटीमीटर तो पहले अपन देखें तो सही कि यदि वो ट्यूब सफिशियंट लेंथ की होती तो वोटर कितनी हाइट तक जाता अकेले ट्यूब टी टू के लिए तो एच टू की वैल्यू की कैलकुलेशन जो अपने पास आई दू टी कोस cos 60 डिवाइडेड बाय कितना आर रोजी देखो अपन समझदार इंसान है नहीं है क्या वहां पर कोच जीरो था तो वैल्यू मेरे पास आई थी सेंटीमीटर यहां पर मेरे बाकी सब तो सेम है ना सरफेस टेंशन टी है रेडियस मिनिस उसकी ट्यूब की रेडियस आर है जो कि पॉइंट टू एमओ में दोनों केसेस में डेंसिटी रो जी सब सेट है बस ये वन बाई टू हो गया मतलब जो हाइट मेरे पास इस वाले केस में कैलकुलेट होकर आएगी ना दैट वैल्यू विल बी थ्री पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर हाइट एच टू की वैल्यू 3.75 सेंटीमीटर होगी और ये बोल रहा है फोर के कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अव तो मतलब ट्यूब सफिशिएंट लेंथ की है कि इनसफिशिएंट लेंथ की है सर सफिशिएंट लेंथ की है और यदि सफिशिएंट लेंथ की है बेटा तब तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ट्यूब का जॉइंट यहां से यहां तक है कितने सेंटीमीटर पर है फाइव सेंटीमीटर पर है बोला सर ठीक तो कुछ इस टाइप से सिक्सटी डिग्री के एंगल तक जाएगा और यहां से इसकी जो ये जो हाइट होगी थ्री पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर बोलो ये और नो अरे बात सही है क्या अच्छा सर ठीक है इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो भी करेक्ट है अब इसने कॉन्फिगेशन को लेकर कोई बात नहीं की अब इसने फोर्थ वाले ऑप्शन में बोला द करेक्शन इन हाइट ऑफ वॉटर कॉलम रेज इन द ट्यूब ड्यू टू वॉटर कंटेंट इन मिनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बोथ दसिस देखो ये करेक्शन ऑफ हाइट वाला केस क्या है अपन इसको हटाते हैं आगे बात करें जैसे मैं कैप्लरी ट्यूब में मिनिस्कस की रेडियस r लेकर चल मिनिस्कस uh, की रेडियस r कैपिलरी ट्यूब की रेडियस भी r दैट मींस द कांटेक्ट एंगल इज 0 डिग्री अब अपन इसमें हाइट की वजह से जो करेक्शन आता है ना उसकी बात करते हैं जैसे ये कैपिलरी ट्यूब है ओके okay. और ये 0 डिग्री कांटेक्ट एंगल वाला केस है 0 डिग्री कांटेक्ट एंगल वाला केस है ना दैट मींस दिस विल बी ए हेमिस्फीयर बोलो यस और नो ये क्या होगा हेमिस्फीयर होगा तो इस वाले केस में जब अपन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स से बैलेंस करते हैं तो टी इन टू पाई आर इज इक्व टू क्या करते हैं वाटर कोलम के वेट की वजह से बैलेंस करते हैं इसको जैसे मान लो ये अपना सरफेस था ये यहां से एच हाइट तक गया तो अपन इसमें क्या लिखते हैं सर एक तो पाईआर स्क्वाच कौन से पार्ट का वोल्यूम इस वाले पार्ट का वॉल्यूम फिर मिनिस्कस वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या लिखते हैं मिनिस्कर्स वाले पार्ट का वॉल्यूम लिखते हैं बोलो यस और नो अरे बात सही है क्या तो दोनों ही केसेस में जब कॉन्टेक्ट एंगल जीरो होता, तो जो बन रहा ना ये ऊपर वाला पार्ट वो अपने को नजर आ रहा कि वो पाईआर क्यूब बाई थ्री है लेकिन जब कॉन्टेक्ट एंगल अलग होगा तो दैट वैल्यू विल बी डिफरेंट और इधर जो आएगा दैट इज इंटू टू बाईर इंटू थीटा मतलब करेक्शन जो आएगा वो दोनों ही केसेस में क्या आएगा सर डिफरेंट आएगा और अगले का स्टेटमेंट देखो क्या करें करेक्शन इन द हाइट ऑफ वॉटर कॉलम रेज इन द ट्यूब डू टू वेट ऑफ वॉर कंटेंट इन मिनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बॉडिस बोला सर बिल्कुल ठीक बात है तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हुए वो हुए वन थ्री और फोर देखो क्वेश्चन वैसे लेंगदी है लेकिन यदि अपने को बेसिक का आइडिया ना इस क्वेश्चन में तो कुछ टिपिकल वाला पोर्शन नहीं है बहुत इजी गोइंग हो सकता है बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक ट्यूब इनसफिशियंट लेंथ की हुई तो वहां वोटर जो है वो उसकी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा फिर की फ्लैटनिंग स्टार्ट होगी क्लियर है सर चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखो सर ट्वेल्व में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दैट अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग फाइव मोल ऑफ मोनो एटोमिक गैस

बहुत सारे डाटा दे रखे हैं देखो दो ही दे रखे हैं वैसे तो। टू है वो वो और power, की वैल्यू जो है वो है। वो है। बोले ठीक अब जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं चार ऑप्शन देखें देखो डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज थर्टीन आर टी नोट द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर देखो डन की यदि आप बात करोगे ना तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है एक एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्कडन होता है ना बेटा दैट वर्कडन इज माइनस ऑफ पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय गामा माइनस होता है सही इसका मतलब मेरे को वर्कडन यदि सोल्व करके बताना है तो मेरे को एक तो गामा चाहिए सर मिक्सचर का बोला चाहिए फिर दूसरा था फाइनल प्रेशर फाइनल प्रेशर के लिए भी गामा चाहिए होगा क्योंकि पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्व टू कांस्टेंट फॉलो होगा तीसरा The average kinetic energy of the gas mixture after compression in the between 18 RT node to 19 RT node मतलब final temperature बताएंगे तभी तो average kinetic energy calculate करेंगे बोलो yes or no अरे सही है अच्छा फिर adiabatic constant of the gas mixture 1.6 मतलब मैं सोचूं तो इस question में सबसे पहला step जो मैं शुरू करना चाहूँगा that will be the gamma for the mixture तो सबसे पहले अपन mixture के gamma के लिए बात करते हैं देखो mixture का जो gamma है दैट वैल्यू विल be म्यू वन सीपी वन प्लस म्यू टू सीपी टू डिवाइडेड बाई म्यू वन सीबी वन प्लस म्यू टू सीबी टू ठीक है क्या सर बोला ठीक है मिक्सर का गामा इस टाइप से कैलकुलेट हो जाएगा बोला ठीक अब देखो जैसे मिक्सर के लिए वो बोल रहा है कि वो पांच मोल मोनो एटोमिक गैस है तो म्यूवन की वैल्यू मेरे पास आ गई और सीपी जो होता है मोनो एटोमिक गैस के लिए दैट वैल्यू इज टू प्लस में अगले केस में कह रहा है मोल ऑफ गैस है तो वन रेजिट डाईटोमिकाईटोमिक गैस के लिए कितना सेवन आर बाई टू डिड बाई फाइव दिस वैल्यू इज वॉट थ्री आर बाई टू प्लस में वन इंटू में कितना क्या बेटा ठीक तो, तो सबसे पहले क्या गया आर बाई टू तो सबसे सही हो गया Numerator से कॉमन लो डिनटर से कॉमन लो सही तो ऊपर वाला डाटा मेरे पास आया दिस वैल्यू इज वॉट फाइव इंटू फाइव ट्वेंटीड बाई दिस वैल्यू इज वॉट फाइव इंटू थ्री दैट इज फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फाइव दैट वैल्यू इज वॉट ट्वेंटी

मिक्सर के लिए फाइनल प्रेशर की बात करूं तो फाइनल प्रेशर जो होता है ना सर उसका फॉर्मूला होता है अपन कैलकुलेशन का जो मेथड अपना यूज करेंगे ना फॉर्मूला क्या लगेगा दट पी फाइनल वी फाइनल रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल रेस टू गामा तो पी फाइनल

टू इंटू एट अपॉन 5, फाइव सिक्स टू और टू रेस टू दी पॉइंट टू की वैल्यू पॉइंट टू दे रखी है गैस इज मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज इन बिटवीन नाइन पी नोट टू टेन पी नोट दैट मीन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बात ठीक है क्या बेटा चलो फिर आगे बढ़ा दे बात को अगले में कह रहा है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मिक्सचर इज इन बिटवीन अच्छा गैसियस मिक्सचर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है देखो अपने पास एक और फॉर्मूला होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम में इज टी फाइनल वी फाइनल रेस्ट टू द दामा माइनस वन इज टू टी इनिशियल वी इनिशियल टू द दामा माइनस वन जैसे अपन सोल्व करेंगे ना इसको फाइनल की वैल्यू मेरे पास आएगी टी नोट एंड दिस इज रेस टू द टाइम्स गामा माइनस वन माइनस वन बोले तो एट अपॉन फाइव माइनस वन दैट वैल्यूज इंटू टूट इज वन पॉइंट टू तो टी नोट इंटू टू रेस्ट टू दन पॉइंट टू दैट इज टू पॉइंट थ्री तो ये अपने पास आए, सर टू पॉइंट थ्री टी नोट बोलो हाँ सही है और गैसिस मिक्सचर की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसका फॉर्मूला मेरे पास होता है म्यू सीवी मिक्स इनटू द टेम्परेचर तो म्यू की वैल्यू जो है दैट वैल्यू इज सिक्स पांच मोल तो मोनोटोमिक गैस के और एक मोल डायटोमिक गैस का है अच्छा फिर उसके बाद सीवी मिक्स की वैल्यू क्या आएगी देखो यदि अपन साइड में इधर कैलकुलेट कर लें तो सीवी मिक्स की वैल्यू आती है म्यू वन सीवी वन प्लस म्यू टू सीवी टू डिड बाई म्यू वन प्लस म्यू टू यही आता है तो यहां से यदि यह अपन कैलकुलेट करेंगे ना दट दिस वैल्यू इज फाइव इन टू मोनो एटोमिक गैस के लिए थ्री आर बाई टू प्लस म्यू टू की वैल्यू कितनी वन डाइटोमिक गैस के लिए सीवी कितना फाइव आर बाई टू एंड दैट वैल्यू इज फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स तो यदि यह अपन यहां से इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना आया पंद्रह और पांच बीस

अपने पास गामा आ चुका है फाइनल प्रेशर आ चुका है नाइन पॉइंट टू पी नोट है चलो ठीक तो अब यदि अपन वर्कडन की कैलकुलेशन करें तो वर्कडन की वैल्यू अपने पास जो आती है दट इज मोड की बात कर रहा है वैसे भी है, पी फाइनल नाइन पॉइंट टू पी नोट वी फाइनल दट इज वी नोट बाई फोर माइनस पी नोट वी नोट डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन गामा इज एट बाई फाइव एट बाई फाइव माइनस वन दट इज थ्री बाई फाइव ओके सर तो मोड ऑफ डब्ल्यू जो कैलकुलेट होकर अपने पास आया दैट वैल्यू इज नाइन पॉइंट टू माइनस फोर दैट इज फाइव पॉइंट टू पी नोट वी नोट डिवाइडेड बाय फोर इंटू थ्री दैट इज ट्वेल्व मल्टीप्लाइड विथ फाइव ये डाटा मेरे पास कुछ इस टाइप का आ रहा है कि 5.2 पॉइंट टू पी नोट वी नोट इंटू फाइव डिवाइड जैसे उसके बाद पी नोट वी नोट जो है तो आइडियल गैस इक्वेशन के दिस वैल्यू बिकम्स सिक्स आर टी नोट क्योंकि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स मोनोटोमिक गैस के और एक डायटोमिक गैस का दंडया तो यदि अपन यहां से इसको सोल्व करते हैं ना बेटा यू कैंसिल आउट वर टू टाइम्स ये कैंसिल आउट हुआ वर्टीन टाइम्स सो द मोड ऑफ द दर्डन इन दिस कैलकुलेशन इन दिस प्रोसेस इज थर्टीन नोट बोलो यस और नो बात सेट है बोला सर ठीक दैट मीन्स द ऑप्शन वन इज ऑल्सो करेक्ट ठीक आगे बढ़ाए चलो सर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करते हैं देखो थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन वैसे सिमिलर से मतलब अपने को आइडेंटिफाई करना है

दूसरा यह कॉलम है जिसमें प्रोसेस का नाम किया हुआ है और यह तीसरा कॉलम है जिसमें अपने को डायग्राम बना के दिया हुआ है अच्छा कंसिडर ओनली द पाथ फ्रॉम स्टेट टू स्टेट अच्छा केवल से की बात करनी है पूरे डायग्राम की बात ही नहीं करनी बहुत बढ़िया W डब्ल्यू डी न करस्पॉन्डिंग वर्कडन ऑन द सिस्टम ओके डब्ल्यू टोटल वर्कडन ऑन द सिस्टम की बात कर रहा है नॉट बा सिस्टम मतलब अपने जितने फॉर्मूले अपन ने सीखे ना अपने को उनमें सिंपल सा क्या एड करना है माइनस एड करना है ठीक ओके सर वर्क डन ऑन द सिस्टम द इक्वेशन एंड द प्लॉट्स इन द टेबल हैव स्टैंडर्ड नोटेशंस एज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हियर गामा इज द रेशियो ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम द नंबर ऑफ मोल्स इन द गैस इज एन अच्छा ठीक है ओके तो मैं जैसे क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करता हूं ना फोर्टीन फिफ्टीन ऐसे ही होंगे फोर्टीन में भी डायग्राम सेम है फिफ्टीन में भी डायग्राम सेम है ओके okay, तो अपन 13 से शुरू करते हैं फिर 14, 15 में आगे बढ़ लेंगे 13 में क्या कह रहा है? देखो यार बात को समझे ना स्पीड ऑफ साउंड जब कैलकुलेट करने की बात करते हैं ना तो अपन बोलते हैं गामा आर टी बाई एमडब्ल्यू बोलो ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला याद है क्या? स्पीड ऑफ साउंड का अपने पास जो फॉर्मूला आता है ना दैट फॉर्मूला इज गामा आर टी बाई एमडब्ल्यू डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस की बात करते हैं मतलब अपन किस टाइप के प्रोसेस की बात करते हैं सर अपन एक्चुअली एक एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं उसमें बोलो यस और नो स्पीड ऑफ साउंड देखो दो चीजें थी न्यूटन ने बोला था कि जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है और उसने वैल्यू दी थी पी बाई रो फिर लाप्लास ने उसमें करेक्शन दिया था और उसने बोला था कि गामा पी रो या फिर गामा एम, एम एडियाबेटिक एडिया कॉन्स्टेंट तो ये किससे डिटरमाइन होता है प्रोसेस से। तो अपन सबसे पहले यदि इन चारों प्रोसेस में देखें ना तो एडियाबेटिक प्रोसेस देखो इनमें यदि बात ना जैसे क्यू और आर में ठीक है तो क्यू और आर में आप इजीली स्लोप डिफाइन कर सकते हो कि ये, ये, तो ये, ये स्लोप होती है पी वी तो एडियाबेटिक की स्लोप ज्यादा होती है मतलब ऑप्शन क्यू तो जाएगा अपना क्यू किस में आ रहा है बोला क्यू एक तो सेकंड में आ रहा है और एक फर्स्ट में आ रहा है ऑप्शन में ऑप्शन चले ना यार क्या दिक्कत है फिर उसके बाद वो कह रहा है प्रोसेस कैसा एडियाबेटिक क्योंकि साथ फोर्थ आना चाहिए यहीं से हो गया अपना वर्कडन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है चलो फिर भी कर लेते हैं अब एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्कडन होता है ना बेटा वो क्या होता है बोले सर एक एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्कडन जो होता है डन ऑन द गैस बहुत कर रहे हैं ना देखो इसमें स्पेसिफाइड है डब्लू डिनोट द करस्पॉन्डिंग लगा दू तो अपन कैलकुलेट करते हैं पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपोन गावा माइनस वन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन सो so, मैकाउन इस वाले केस में जो अपना 30 है उसका करेक्ट आंसर जो आएगा अपने पास वो सेकंड आ जाएगा क्लियर yeah. चलो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं इसी सीक्वेंस में जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 में वो बात कर रहा है कि करेक्ट जो है कॉम्बिनेशन कौन सा है ठीक है करेक्ट कॉम्बिनेशन की यदि अपन बात करें देखो अब क्या हर क्वेश्चन चेक करना है ना ऑप्शन बाय ऑप्शन में भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेते हैं जैसे फन, टू, थ्री और फोर्थ चारों में यदि मैं देखू ना तो बीच वाला जो ना वो दो टाइप का ही है मतलब या तो वो फोर्थ की बात कर रहा है या सेकंड की बात कर रहा है मतलब या तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा है या फिर वो एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है बोलो यस और नो और थोड़ा सा समझदारी और लगाते हैं बोला पिछले वाले में एडियाबेटिक की बात की थी तो इस बार कोशिश जरूर रहेगी कि वो किसकी बात करेगा आइसोकोरिक की बात करेगा नहीं अब आ जाओ सर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट चाहिए कहां पर दिख रहा है एस में दिख रहा है तो सेकंड के साथ एक तो एस आना चाहिए बोला हाँ आ रहे। फिर उसके बाद वर्क डन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए थर्ड वाले इस वाले इस ऑप्शन में वर्क डन कितना है जीरो है सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बोलो यस और नो थोड़ा तो समझदार बनो ना यार जेई का पेपर है कुछ तो सोचने वाले लोग चाहिए उनको चलो आगे बढ़ाते हैं बात को आगे मैं जैसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं देखो 15 में क्या बोल रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ऑनली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस में पी डेल्टा वी देखो यार बात को समझो ना कि अपन जो थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ते हैं ना तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में अपने पास डेल्टा Q की जो वैल्यू होती है ना वो डेल्टा U प्लस W से डिनोट होती है, है ना फर्स्ट लो ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स यही है इन्होंने क्या है इस इक्वेशन में W के प्लेस पर P डेल्टा भी पुट किया मतलब मेरे को ऐसा प्रोसेस लेना है जिसमें वर्क डन की वैल्यू जो है वो इक्वेशन P डेल्टा भी से डिफाइंड हो वर्क डन किससे डिफाइंड हो P डेल्टा भी से डिफाइंड हो तो सर वर्क डन P डेल्टा भी से डिफाइंड मतलब कैसा प्रोसेस है आईसो बारिक बोले सर सबसे पहले आईसो बारिक की बात करो आईसो बारिक थर्ड वाले में है तो थर्ड वाला कहां कहां टिक रहा है थर्ड वाला थ्री वाले में भी है सेकेंड वाले में और फर्स्ट वाले में भी तो सबसे पहले तो आईसो बारिक हो गया मतलब सेकंड में, में बात करें तो एक तो थर्ड, है, इधर है।, थर्ड वन टू जीरो। क्या प्रोसेस है नहीं आईसो बारीक है जीरो नहीं है जीरो नहीं है तो ये अपने पास वर्गडन की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है दैट वैल्यू बी थोड़ा सा करेक्शन है सर इसमें दिस वर्क आंसर जो जाएगा वो तो सेकंड जाएगा ना इसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि डब्ल्यू वन टू की जो वैल्यू होगी एक्चुअली वैल्यू पी वन माइनस पी वी टू पी मैं क्योंकि वर्कडन ऑन द सिस्टम की बात कर रहा है तो माइनस में लेना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू जो अपने पास आएगी दैट विल बी टू बोलो ठीक है क्या अरे क्लियर है बोला सर ठीक है बात को आगे सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड आगे बढ़ते हैं सर चलो सर अब अपन आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है <coughs> 16 में बोल रहा दैट वन मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोस फोर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एस सोन स्कैमेटिकली इन द पीवी डायग्राम बिलो अमंग दीज थ्री दीज फोर प्रोसेसेस वन इज आइसोबारिक वन इज आइसोकोरिक वन इज आइसोथर्मल

गैस का वकडन जीरो होता है नहीं होता है सर आइस एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं होता सेकंड वन टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेंस अनचेंज क्या टेम्परेचर अनचेंज रहता है नहीं रहता सर थर्ड ऑप्शन नो हीट इज एक्सटेंड बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग एडियाबेटिक प्रोसेस का यही तो होता है ना सर कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होती है ना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो जीरो होती है यही तो डिफाइन करते हैं अपन और फिर एसी से तो डिराइव करते हैं आगे पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब P में जो है वो थर्ड आना चाहिए अब देखो P में थर्ड कौन कौन से में आ रहा है थ्री में आ रहा है और फोर में आ रहा है मैं यहां पर कुछ ट्रिक्स की भी बात कर रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसा सोचो ठीक है अब मैं पेपर दे रहा होता ना यार तो मैं क्योंकि बात ही नहीं करता समझो बात को क्यों या तो मैं आर की बात करता या एस की बात करता क्योंकि मेरे को पता है कि ऑप्शन जो करेक्ट होना ना वो या तो थर्ड करेक्ट होना या फोर्थ करेक्ट होना क्योंकि दोनों में पीक थ्री है बाकी उस अलावा किसी में है नहीं और दोनों में क्यों के साथ फोर दे रखा है मतलब कॉमन है बात समझ रहे हो मेरी चलो ठीक है करेंगे अपन लेकिन एग्जाम टाइम में बात, करो तो थोड़ा सा करने के लिए। फिर बात करें तो प्रोसेस सेकंड है, प्रोसेस ये वाला है, प्रोसेस है। प्रोसेस में, वर्क गैस जो होता है ना वो पी डेल्टा भी होता है प्रेशर कितना दे रखा है प्रेशर दे रखा है थ्री पी नोट डेल्टा वी बोले तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल फाइनल वॉल्यूम थ्री वी नोट वट इज द इनिशियल वॉल्यूम दैट इज वी नोट तो ये अपने पास डाटा जो है सिक्स पी नोट वी नोट आ रहा है वर्कडन बाय द गैस इज सिक्स पी नोट वी नोट दैट इज एन गिवन इन फोर्थ ऑप्शन सेट है बोला ठीक अब मैं प्रोसेस थर्ड की बात करता हूँ जैसे आर वाले के लिए बात करूं ना तो प्रोसेस थर्ड जो है वो कैसा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है वर्कडन बाय द गैस जीरो है तो इस वाले में देखो जैसे क्या बोल रहे हैं वर्कडन बाय द गैस इज जीरो फर्स्ट वाले में आ गया मतलब आर के साथ वन हो गया तो ऑप्शन यही करेक्ट हो गया अपना फिर एस के लिए के बात करूं इन प्रोसेस फोर फोर्थ वाला जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस is और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कॉन्स्टेंट होता है सर? डेफिनेशन ही बोलती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है बात ठीक है बेटा चलो ठीक सर आगे बढ़ाते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखो यार पूरे पेपर में है ना जेई दो या तीन क्वेश्चनों में दिखा के डराता है ये उनमें से एक क्वेश्चन है मतलब इतना कुछ कुछ लिखा हुआ है और जब सोल्व करने बैठे बोला इतना इतना सही था बात समझ आ रही है? आपको मेरी मतलब ये वो क्वेश्चन है इतना बड़ा क्वेश्चन देखा देख के एक बार तो दिल बैठ गया यार मेरा भी मतलब ना ना ये नहीं कर रहे फिर जब करने बैठे तो बोला यही पूछ रहा था क्या चलो फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं देखो इसमें क्या बोल रहा है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल मोनो गैस द इन infinitesimal heat absorbed by the gas is given by t delta x where t is the temperature and delta x is the infinitesimal change in a thermodynamic quantity x of the system for a mole of monoatomic gas x is equal to 3 by 2 r log t upon ta plus r log v upon va here r is a gas constant v is a volume of gas t a and va are constants the list first below gives us some quantities involved in the process Achha. ओके okay. और लिस्ट सेकंड जो है गिव्स सम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज अच्छा द लिस्ट फर्स्ट बिलो गिव्स सेम सम क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड लिस्ट सेकंड गिव्स सेम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटीज दोबारा आ गई कोई बात नहीं आ जाओ दोबारा पढ़ लिया लिस्ट फर्स्ट की बात करते हैं क्या बोल रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस वन टू थ्री वन टू थ्री में वर्क डन कैलकुलेट करना अपन वन बाय वन कैलकुलेट करते हुए चलते हैं सर मतलब से टू, टू से थ्री प्रोसेस वैसे तो वन से टू टू से थ्री तो है तो जैसे टू में पूछा है। तो मैं एक काम करूं वन से टू के लिए डेल्टा क्यू डब्लू और डेल्टा यू डिफाइन कर लू फिर टू से थ्री के लिए डिफाइन कर लू फिर इजीली तो क्वेश्चन हीट हो जाएगा मेरा जैसे मैं सबसे पहले वन से टू के लिए बात कर लेता हूं ठीक है वन से टू कैसा प्रोसेस है बोले सर वन टू टू इज आइसोथर्मल प्रोसेस अच्छा तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो मैं बात करूं डेल्टा यू कितना जीरो तो क्यू की वैल्यू जो होगी ना क्यू वन टू दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू अच्छा और ये जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी मेरे पास देखो गैस के कितने मोल है एक मोल है इनिशियल टेम्परेचर कितना है

इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इज वी नोट से जो डाटा मेरे पास कैलकुलेट होकर बेटा log 2. ठीक है क्या यहां से मेरे पास Q वन टू आ गया यहां से मेरे पास W वन टू आ गया और डेल्टा यू वन टू आ गया ओके सर फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है? प्रोसेस टू थ्री के लिए बात कर लो तो जैसे ही मैं टू थ्री के लिए बात करता हूं ना तो मेरे को टू थ्री के लिए डब्लू तो मिल गया जीरो सीधा सीधा और क्यू टू थ्री जो है वो मेरे पास डेल्टा यू क्यू थ्री के बराबर टू थ्री के बराबर होगा दैट वैल्यू विल बी म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन बोलो और नो मोनो एटोमिक गैस है और किसी भी आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होती है ना उसकी वैल्यू होती है म्यू सी डेल्टा टी तो डेल्टा टी तो मेरे पास न्यू की वैल्यू कितनी वन आर व्हाट इज गामा गाइव बाई थ्री माइनस वन दैट वैल्यूज टू बाई थ्री एंड व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज टी नॉट देश नोट बाई थ्री और बहुत बढ़िया दो बट्टे तीन से दो बट्टे तीन शहीद हो गया तो यहां जो डाटा मेरे पास कैलकुलेट हो रहा है दट वैल्यू इज आर टी नॉट डब्ल्यू टू थ्री जीरो ये वाला जो जाता है वो मेरे पास डेल्टा यू टू इक्वल होगा बोला होगा चलो अब वन बाय वन चलते हैं जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन तो तो इतना और इसमें डन है मतलब वर्क डन तो डन जो है मतलब फर्स्ट के साथ यदि फर्स्ट के साथ क्या आना चाहिए सर आर टी नोट बाई थ्री लोग टू

अब उसके बाद थर्ड वाले केस में बात करते हीट द सिस्टम इन द प्रोसेस वन टू थ्री तो वन टू में तो हीट एब्जोर्ड की वैल्यू ये है और टू थ्री में यह तो ये जो होगा ये टोटल समेशन होगा और समेशन यदि आप बात करोगे जैसे टू टोटल की तो आर टी नोट तो कॉमन ले लो डाटा क्या बचा लो टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन तो सजा के लिखोगे तो सजा के लिखने पर ये वाला मिलेगा बोलो यस और नो मतलब इसके साथ थर्ड के साथ क्या आना चाहिए थर्ड के साथ टी आना चाहिए अच्छा फिर आगे बढ़ते फोर्थ वाले के साथ हीट पी, पी मतलब ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट बोलो सेट है क्या बेटा बोला ठीक है सर आगे बढ़ाते हैं बात को क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17 इन दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है 17 और 18 में एक ही चीज है यार है ना कि 17 जो था उसमें टीवी कर्व था और 18 जो है ना बेटा उसमें मेरे पास पीवी वी कर्व है सेवनटीन में आप देख लो यहां पर 17 में अपने पास टीवी वी कर्व था और यदि आप एट्टीन की बात करते हो तो एट्टीन में मेरे पास पीवी वी कर्व है बस इतना सा एक छोटा सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है और वही वाली चीजें बिल्कुल सेम टू सेम वही बात की है ना क्या वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1 2 3 चेंज इन द इन द प्रोसेस 1 2 3 हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1 1 2 3, 1, 2 3 हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस मतलब चारों की चारों कैलकुलेशंस आपको सेम करनी है बोला ठीक है चलो फिर बात करते हैं अपनी चलो फिर 1 2 की बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 की बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 जो है ना वो ये रहा वी से दैट दिस प्रोसेस इज ए आईसो बारिक प्रोसेस अब आईसो बारिक प्रोसेस में एक तो क्यू चाहिए डब्ल्यू चाहिए डेल्टा यू सारी कैलकुलेशन करनी है और टर्म तो वही लेना है सर मतलब इक्वेशन तो अभी भी पी वी नोट इज इक्वस टू आर टी नोट बाई थ्री ही फॉलो हो रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स आर वन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टी नोट बाई थ्री बोला उसने प्रोसेस आइडियल मोनोटोमिक गैस ठीक है सर और यहां पर इसने स्पेसिफाई कर दिया कि गैस के कितने मोल है सर एक मोल है मोनोटमिक गैस का मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो है वो टी नोट बाई थ्री है अब मैं प्रोसेस वन से टू की बात करता हूं तो वन टू टू इज अइसो इस कौन सा बारिक प्रोसेस आइसो बारिक प्रोसेस में यदि आप वर्कडन की कैलकुलेशन करेंगे दैट इज पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल सो इट इज पी नोट दिस वैल्यू इज टू वी नोट माइनस वी नोट दिस इज पी नोट वी नोट और p नॉट v नॉट किसके इक्वल है rt नॉट 3 के इक्वल है मतलब 1 2 में जो वर्क डन है उसकी वैल्यू तो rt नॉट 3 आ रही है फिर आप बात करते हैं डेल्टा u की डेल्टा u दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसका जो फॉर्मूला चलता है ना सर दैट इज इस वाले केस में देखो वैसे फॉर्मूला होता है इसका μcv डेल्टा t बोला होता है CV की वैल्यू क्या पुट करते हैं आर अपॉन गामा माइनस वन सो इट इज म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन अच्छा फिर अपन इसको म्यू आर डेल्टा टी को किसके इक्वल पुट कर सकते हैं पी डेल्टा बी के और इस प्रोसेस का पी डेल्टा बी ये रहा कितना आर टी नोट बाई थ्री सो इट इज आर टी नोट बाई थ्री डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन वट इज गामा ामाइज फाइव बाई थ्री मोनाटोमिक गैस है माइनस वन दैट इज टू बाई थ्री बाई थ्री बाई थ्री तो सही हो गया दिस डाटा हाँ बोला सर सेट है तो यदि मैं इस प्रोसेस में क्यू वन टू की कैलकुलेशन करता हूं ना तो क्यू वन टू की कैलकुलेशन मेरे पास वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू दैट इज फाइव बाई सिक्स सो दिस वैल्यू बिकम्स फाइव आर टी नोट डिवाइडेड बाई सिक्स दिस ज क्यू वन टू अच्छा ठीक है अब मैं बात कर लेता हूं टू थ्री को लेकर टू थ्री इज ए आइसोकोरिक प्रोसेस इसका मतलब डब्ल्यू तो जो है वो जीरो के बराबर आ गया और क्यू जो है वो डेल्टा यू के बराबर आया डेल्टा यू की वैल्यू को अपन इस केस में लिखना चाहेंगे तो इसको लिख देंगे वी डेल्टा पी अपोन गामा माइनस वन ये बात पकड़ पा रहे हो बेटा

दिस डाटा इज आर टी नोट बाई थ्री डिवाइडेड बाई आर टी नोट डिवाइडेड बाई टू एक मिनट ये गलत चीज लिखी ना अच्छा आर टी नोट बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री बाई थ्री से by थ्री तो सही हो गया तो ये जो डाटा मेरे पास कैलकुलेट होकर आया सर वो कितना आया दैट डाटा इज कमिंग एज आर टी नोट डिवाइडेड बाई टू इस प्रोसेस में मैंने क्यू निकाल लिया क्यू टू थ्री की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू की भी आगे अपने पास अब यदि अपन ऑप्शन डन की वैल्यू जीरो आर टी नोट बाई थ्री आएगा सो द फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज क्यू फर्स्ट के लिए करेक्ट ऑप्शन क्यू जो है वो वन टू थ्री तीनों में दे रखा है फर्स्ट तो के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया क्यू अब मैं सेकंड वाले के लिए बात करता हूं सेकंड वाले केस में क्या करे द चें इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस की इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कितना है देखो इधर इंटरनल एनर्जी में चेंज है आर टी नोट बाई टू और इसमें भी आर टी नोट बाई टू यदि टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात करेंगे तो वो आर टी नोट आएगा मतलब सेकंड वाले के साथ करेक्ट ऑप्शन की जो बात है वो आर आ जाएगा अपने पास RT आर टी नोट आरमी दे रखा है तीसरा हीट बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस ट्यू वन टू थ्री वन टू थ्री में जो हीट एब्जोर्ड है

मतलब ये देखो जेई एडवांस में बात करें ना तो क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन थे मार्क्स बना लेगा चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात को तो डियर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जैसे क्वेश्चन अपना अगला है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखो उसमें क्या बोल रहे हैं कंसिडर टू सॉलिड स्पियस पी एंड ईच ऑफ डेंसिटी एट ग्राम पर सी सी

यही करते हैं अपन सही है क्या बोला ठीक अब मैं थी यहां से वीटी की वैल्यू सोल्व करता हूं ना वी टर्मिनल तो वी टर्मिनल मेरे पास सोल्व होकर आता है टू आर स्क्वायर रो बॉडी माइनस रो लिक्विड इनटू में जी डिवाइडेड बाय कितना नाइन नीटा नीटा इज दता सर टर्मिनल वेलोसिटी अपन ने सब पढ़ा हुआ है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आती है ठीक बात है तो अब वो जानना चाह रहा है कि सर p और q की टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा तो देखो यहां से सीधा-सीधा मैं ये बोल सकता हूं कि यदि आप vp अपॉन vq की बात करते हो तो वो वाली वैल्यू 2g और 9 ये तो कांस्टेंट है साइड में लगाओ क्या-क्या बचा एक स्क्वायर बचा एक rho b rho liquid बचा एक नीटा बचा अच्छा सो दैट कैन बी रिटन एस rp अपॉन rq का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं rho p माइनस रो लिक्विड डिवाइडेड बाई ये लिक्विड वन है सर रो क्यू माइनस रो लिक्विड टू इन टू में नीटा इनवर्सली है इट कैन बी रिटन एज नीटा टू डिवाइडेड बाय व्हाट नीटा वन बोलो यस नो हाँ अच्छा चलो फिर बढ़ाते हैं बात को आगे कि सर वीटी की वैल्यू वीपी अपॉन वी, वी अपने पास जो आएगा दैट वैल्यू इज अब देखो आपको एक तो रेशियो लेना अपॉन आरक्यू का तो आरपी कितना है, 1 cm, है और आरक्यूटी है? है, तो है तो सीधा सीधा 1 2, हो गया आपने पास, आ, 1 2 तो ये वाला डाटा मेरे पास हो गया 2 का स्क्वायर फिर मैं इसके बारे में बात करूं rp माइनस r लिक्विड 1 डेंसिटी दोनों स्फीयर्स की 8 ग्राम पर सीसी है और जो तो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पहले वाले केस में 0.8 है एट माइनस जीरो पॉइंट एट दैट वैल्यू इज सेवन पॉइंट टू डिड बाई यहां पर मेरे को रो क्यू माइनस रो लिक्विड टू करना है रो क्यू तो वही ग्राम पर सीसी और रो टू जो, okay, जो लिक्विड है ना उसके लिए जो है वो थ्री है और दूसरे वाले के लिए टू है एक, यूनिट ठीक है यार लेकिन और सेम यूनिट्स में तो है अच्छा इट कैन okay? okay? देखो फोर इंटू टू इज एट एट टू एट ये तो सही हो गया नाइन इन थ्री कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ थ्री टाइम्स कैंसिल आउट हुआ तो अपने पास VQ अपॉन VQ, VP अपॉन VQ की जो वैल्यू आती है वो थ्री आती है बात समझ रहे हो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, that will be 3. बोलो यस। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। अगले क्वेश्चन की मैं बात दैट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो उसमें क्या बोल रहे हैं metal. Metal है और मेटल के ऊपर एक सेंसर रखा हुआ है जो कि उससे जो हीट जनरेट हो रही है उसको पावर रेडिएटेड जो है ना उसको रीड कर रहा है ठीक है द सेंसर हैज ए स्केल दट डिस्प्लेस लोग टू P बाई पी नोट वेर P नोट इज ए कॉन्स्टेंट मतलब ये लोग टू के टर्म्स में उसको डिफाइन करता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं When the metal surface is at temperature of 487 degree Celsius, the sensor shows value of वन इसका मतलब देखो P उस प्लेस पर भाई यदि यहां पर मेरे पास है ना अपॉन पी नोट की वैल्यू लोग टू लोग टू लोग बेस टू पी अपॉन पी नोट की वैल्यू मेरे पास वन आ रही है ठीक है ये कब पॉसिबल है ये तब पॉसिबल है जैसे मैं इसको पी वन कहूं कि पी वन की जो वैल्यू है ना बेटा वो टू पी नोट के इक्वल है ओके सर सही है दूसरे केस में वो कह रहा है? कि अज्यूम दैट द एमिसिविटी ऑफ द मैटलिक सर्फेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट वॉट इज द वैल्यू डिस्प्लेड बाई सेंसर वेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सर्फेस इज रेज टू टू सेवन सिक्स सेवन डिग्री सेल्सियस मतलब जब टेम्परेचर पहले ये था तब ये रीडिंग शो कर रहा था जब टेम्परेचर ये होगा तो क्या रीडिंग शो करेगा तो हमने कहा सर देखो पहले केस में पावर की यदि अपन बात करते हैं ना देखो P1 अपने पास टू पी नोट के इक्वल है

रेस टू द नोट नोट और नीचे P है तो पी नोट से तो पी नोट शहीद हो गया सीधा सीधा टू रेस्ट टू दाइन बचा दैट दिस वैल्यू कम्स एज नाइन बोलो यस और नो देख लो हीट का एक बहुत इजी सा क्वेश्चन जिसमें केवल स्टीफन लो और लोक का एक बेसिक सा नॉलेज यदि आपको है तो आप क्वेश्चन हिट कर सकते हैं तो सर इसकी जो रीडिंग मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रही है दैट इज कमिंग एज नाइन बोलो यस और नो सेट है चलो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं

ओके देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा ठीक है बेटा तो हमने कहा सर देखो ऐसा क्वेश्चन को लिए यदि सोचे तो एक बिगर ड्रॉप है और वो स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक हो रही है बोला हा हो रही तो सर इस वाले केस में होगा क्या हम जब डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं ना तो डेल्टा यू की वैल्यू अपने पास होती है टी इन डेल्टा ए मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अपन इसी से सरफेस एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करते हैं सही है अच्छा फाइनल जो एरिया है ना वो कितनी ड्रॉप्स के लिए है आइडेंटिकल ड्रॉप में ब्रेक कर रहा है देन इट इज के इन टू में लेट सपोज ये स्मॉलर जो ड्रॉप है उनकी रेडियस स्मोल आर है बिगर ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर दे ही रखी है तो यह डाटा अपने पास कुछ इस टाइप से आ गया ठीक बोल रहा हूं बेटा थोड़ा सा और सजा के यदि अपन इसको लिखें देन वी कैन राइट इट लाइक फोर पाई टी के आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर सही बोल रहा हूं बेटा अरे ठीक है क्या बोला सर ठीक है अब मैं इसमें से क्या कैपिटल आर स्क्वायर और कॉमन ले लेता हूं तो तो दिस वैल्यू इज फोर पाई टी कैपिटल आर स्क्वायर दिस इज के स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वन बोलो यस नो। अपन ऐसे ही कैलकुलेट करते ना एनर्जी में चेंज अच्छा अब हमने कहा सर देखो ऐसा है कि एक बिगर ड्रॉप है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है

तो ये वाली वैल्यू मेरे पास डेल्टा यू की कैलकुलेशंस जो आ रही है ना वो आ रही है फोर पाई टी कैपिटल आर स्क्वायर दिस वैल्यू इज के डिवाइडेड बाय के रेस टू द टू बाई थ्री माइनस में कितना वन तो इधर क्या बचा के रेस टू द वन बाई थ्री बचा बोला हाँ सो इट इज फोर पाई टी कैपिटल आर स्क्वायर तो सावेशन आया है, में भी आ सकता है और वैसे भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है तो ये आपको बेटा जी याद होना चाहिए और अगला कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है ना मेरे पास वो रेस टू दाइनस थ्री है ठीक है ओके तो थोड़ा सा सोल्व करके देखें देखो रेस टू दर माइनस थ्री इज इक्वल टू ये वाला डाटा फोर पाई अच्छा फिर टी की वैल्यू है जीरो पॉइंट कर दो दिस इज पॉइंट वन डिवाइडेड की बात इट स्क्वायर की बात कर रहा है ना बेटा 10 पार माइनस फोर इन टू में पार्टी माइनस में क्या सर अल्फा बोलो बेटा जी बात ठीक है क्या अच्छा अब देखो सबसे पहले फोर पाई से फोर पाई सही हुआ

पावर करेंगे ना बिकम्स पावर बोलो यस और नो। अगले ने एग्जाम में यही तो पूछा ना कि देवर अल्फा तो की वैल्यू क्या है वो मेरे पास सिक्स आ रही है so, 6 चलो सर, आगे बढ़ाते हैं बात को क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो ये भी है ना ये मतलब कंडक्शन का बहुत इजी गोइंग सा क्वेश्चन है मतलब आपको कंडक्शन का यदि पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हिट कर सकते हैं देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को बोल क्या रहा है टू कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू हीट बाथ कैप्ट एट टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कैलविन एंड हंड्रेड कैलविन इधर वाले पोर्शन का टेम्परेचर जो है ना ये थ्री हंड्रेड कैलवीन है और इधर वाले पोर्शन का जो टेम्परेचर है वो हंड्रेड कैल्विन है

वो अपने पास किसके इक्वल होता है एरिया अपने पास पाई पाईआर स्क्वायर के इक्वल होता है अरे एरिया किसके इक्वल होता है एरिया पाई स्क्वायर के इक्वल होता है रेडियस डबल तो एरिया फोर टाइम्स ओके सर एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्जर आर केवन एंड रेस्पेक्टिवली केटू रेस्पेक्टिवलीवन और K2 दिखाया इफ द दिखायाचर ऑफ द जंक्शन बिटवीन द टू सिलेंडर्स इज अ स्टडी स्टेटियस टू हंड्रेड केल्विन मतलब वो बोल रहा है कि ये जो जंक्शन है ना इसका टेम्परेचर टू हंड्रेड कैलवीन है तो आपको केवन केवन और के का रेशियो बताना है देखो यार एक सिंपल सी बात बोलू मैं ना जब अपन रेजिस्टेंस वाला इसमें लगाते हैं ना कि सर जैसे मान लो ये वाला, रेजिस्टेंस थ्री वी है, ये वाला टू वी है और ये वाला पोटेंशियल सॉरी दिस पोटेंशियल इज थ्री वी दिस पोटेंशियल इज वी दिस पोटेंशियल इज टू वी तो तभी पॉसिबल होता है जब इन दोनों पार्ट्स के रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं बोलो सही

अपॉन k1 into में a और इसके लिए हो गया l अपॉन में k2 into में 4a सही बोल रहा हूं बेटा देखो l अपॉन a l अपॉन a तो सही हो गया और मेरे पास k1 अपॉन k2 की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई ना साहब वो आगे कितनी 4 एडवांस का क्वेश्चन है बोला ना हीट में या तो क्वेश्चन इजी या मॉडरेट सा

देखो किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है ना उसमें चेंज अपन डिफाइन करते हैं किससे म्यू यू सी इंटू डेल्टा टी से बोलो सही है यहां वाले केस में यदि मैं बात करूं तो वन मोल ऑफ मोनो एटोमिक गैस मोनो एटोमिक बोला तो थ्री आर बाई टू टेम्परेचर चेंज में और अगला डिक्रीमेंट की बात कर रहा है मतलब माइनस डेल्टा यू की बात कर रहा है तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल ज इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर ऑफिस एंड वॉट इज दाइनल मतलब देखो अब मेरे को ना सिंपली कुछ ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना यदिट कर लेता हूँ ना तो क्वेश्चन हिट है बात को समझो यार टी फाइनल कैलकुलेट किया तो क्वेश्चन हिट है बोला सर ठीक तो टी फाइनल के लिए देखो वो बोल रहा है <coughs> वोल्यूम का एक रिलेशन दे रखा उसने तो हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर वाले रिलेशन की यदि मैं बात करूं तो वो ये होता है टी इनिशियल

बोला हाँ अब मैं पावर की बात करूं देखो गामा माइनस वन मोनो एटोमिक गैस का जो गामा होता ना सर, उसकी होती है बाई थ्री। तो दिया आप बाई थ्री वन करेंगे, लिख सकते हैं टू रेस टू पावर थ्री सो इट इज हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन अपोनेंट टू रेस टू पावर थ्री और इसकी पावर कितनी टू बाई थ्री वन बाई थ्री पावर तो सही होगी पावर बची टू टू की पावर टू की वैल्यू कितनी फोर वैल्यूट फोर वैल्यू इज ट्वेंटी जैसे ही अपन उसमें फॉर्मूले में पुट करते ना इस वाली में थ्री बाई टू इंटू मे आर वैल्यू ऑफ आर आर की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है एट

ओके okay डियर चलो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को अगले क्वेश्चन की बात करें द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी फोर्थ यही एडवांस टू का क्वेश्चन है देखो ये बोल क्या रहा है लिक्विड एट थर्टी डिग्री सेल्सियस इज वेरी स्लोली इन कैलोरी मीटर इज एट अ टेम्परेचर ऑफ हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस कि एक कैलोरीमीटर है ना जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है और उसमें आपने 30 डिग्री सेल्सियस पर एक लिक्विड फिल कर दिया द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 80 डिग्री सेल्सियस चर जो है वो एट्टी डिग्री सेल्सियस इट इज फाउंड दैट द फर्स्ट फाइव ग्राम ऑफ लिक्विड कम्प्लीटली इवेपरेट्स मतलब क्या हुआ पांच ग्राम लिक्विड के आपने डाले और वो कम्प्लीटली इवेपरेट्स हो गए एट्टी डिग्री पर पहुंच के मतलब मैं ये कहूँ देखो हुआ क्या क्या है लेट सपोज दीटर जो है ना उसका वोटर इक्वेलेंट डब्लू है तो कैलोरी मीटर का इनिशियल टेम्परेचर वन हंड्रेड एंड टेन और एट्टी तक आने के लिए उसने एनर्जी लॉस जो किया ना दैट इज डब्लू इन टू थर्टी बोलो ये yes कैलोरीमीटर ने जो एनर्जी लॉस किया दैट वैल्यू इज w 30 और यहां से इसकी वजह से क्या हुआ पांच ग्राम लिक्विड का टेम्परेचर जो है 30 से राइज़ करके 80 गया मतलब कितने का चेंज हुआ 50 का और वो पांच ग्राम लिक्विड जो है वो इवेपोरेट भी हो गया मतलब कितनी एनर्जी मिली उसको एक्चुअली उसके एक तो इस कैलोरीमीटर का टेंपरेचर 30 से डिक्रीज हुआ 110 से 80 गया तो अपन क्या करते हैं M into C into delta T करते हैं और M into C को किसके बोलते हैं बोला w के equal. तो ये w into 30 आया और और क्योंकि लिक्विड का 30 से पहले राइज करके 80 गया है, और 80 पर पहुंच के वो हुए। मतलब ये वाली सिचुएशन आ गई बोला सर ठीक तो यहां पर अपने पास थर्टी डब्ल्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रही है एल इज दिट ऑफ वैपराइजेशन ये अपने पास वैल्यू आ गई दिस इज इक्वेशन बोलो बेटा वो 80 तक पहुंच गया अब आपने उसमें 80 और डाला. तो कैलोरी मीटर एट्टी पर था फाइनल तो फिर लॉस कितने का हुआ में कितना 30. बोलो यस कैलोरीमीटर को फिर से लॉस कितने का हुआ फिर से लॉस हुआ डब्ल्यू इंटू थर्टी का और इसकी वजह से 80 ग्राम लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो बेटा जी कितने से चेंज हो गया ए, कहा कितने डाला था 30 पर डाला था 50 हो गया दैट मीन्स दिस वैल्यू इज वॉट टेम्परेचर चेंज इज ट्वेंटी सही है मतलब यहां से मेरे पास थर्टी डब्ल्यू की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज सिक्सटीन हंड्रेड सी दिस इज इक्वेशन नंबर टू

अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ये 2019 में है। देखो इसमें बोल क्या रहा है ब्लॉक ऑफ वेट हंड्रेड न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय कॉपर एंड स्टील वायरस ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन ये स्टील वायर है ये कॉपर वायर है इसकी लेंथ वन मीटर है इसकी रूट थ्री मीटर है और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है अच्छा सर देर अदर एंड्स आर फिक्स्ड ऑन द सीलिंग एज सोन इन द फिगर दूसरे एंड यहां पर सीलिंग पर फिक्स है ठीक है एंगलेंडेड बाई द कॉपर एंड द स्टील वायरसिंग थर्टी डिग्री और सिक्सटी डिग्री है ठीक है इफ इलोंगेशन इन कॉपर वायर इज डेल्टा एलसीगेशन इन स्टील वायर इज डेल्टा एल एस द रेशियो ऑफ डेल्टा एलसी बाई डेल्टा एल एस रेशियो पूछ रहा है सर हमने कहा सर ठीक है देखो देखो ये अपने पास स्टील वायर है ये कॉपर वायर है तो इलोंगेशन जो होता है ना किसी भी वायर में उसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है सर द डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स इस वाले केस में वायर में टेंशन ले लेंगे एन एरिया इनटू यंग्स मूडलेस इनटू में रियल लेंथ ऑफ वायर ठीक बोल रहा हूं क्या अरे सेट है बोला सर सेट है तो इस वाले केस में यदि मैं डेल्टा क्या क्या पूछा है डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल एस पूछ रहा है अच्छा तो वाली वैल्यू जो है मेरे पास देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है तो उसका तो झंझटी खत्म जिंदगी से टी कॉपर अपोनेंट टी स्टील इनटू में एल कॉपर अपोनेंट एल स्टील इनटू में वाई स्टील डिवाइडेड बाय कितना वाई कॉपर सिंपल सा फॉर्मूला है सर स्टील ई वाई कॉपर देखो स्टील और कॉपर के यंग्स मोडल्स कॉपर का वन इंटू टेनरे इलेवन और स्टील का टू इंटू टेनरेस टू पावर इलेवन वाला जो रेशियो ये तो टू आ गया टी सी अपॉन टी एस इन में एल सी अपॉन एल एस देखो एल सी अपॉन एल एस ये वाला रेशियो जो मेरे पास आ रहा है ना दट रेशियो इज रूट थ्री एंड वाई एस अपॉन वाई सी दिस रेशियो इज कमिंग एस टू बोलो बेटा जी सही है ओके okay. अब अपने पास जो मेन कंसर्न अपना रहता है ना वो ये रहता है सर कि अपन यदि टीसी अपॉन टीएस कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन अपना हिट है पहले एक क्वेश्चन देखकर हमें अपना एक सेटअप बनाना होता है कि एटलीस्ट हम क्वेश्चन को हिट कैसे करें ये अपना तरीका है टीसी अपॉन टीएस कैलकुलेट करना है। मैंने कहा सर ठीक है देखो सिचुएशन अब क्या टीसी और टीएस के लिए एक वायर इधर है स्टील वाला जिसमें टेंशन है टी एस और इसका जो ये वाला एंगल है 60 तो मैं कहूंगा बेटा जी ये वाला जो एंगल होगा ना इसका ये होगा 30 सिमिलरली यदि आप इधर वाले में बात करोगे ये ये मेरे पास टीसी। इसका ये वाला एंगल है 30 तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना आया 60 बोला ठीक और इधर इस पर ब्लॉक का वेट लग रहा है बोला लग रहा है यदि आप इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं ना तो देखो सिंपल सी बात मैं केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट्स की बात कर लेता हूं टीएस कोस थर्टी जो है वो टीसी कोस सॉरी टीएस साइन थर्टी इधर वाला साइन होगा ना कंपोनेट टीएस थर्टी जो होगा वो मेरे पास इसका कंपोनेंट इधर कितना टीएस थर्टी दैट टी इज और इधर वाला कंपोनेंट मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं आप बोलोगे ड्रॉ नहीं किए क्यों करूंगे एग्जाम में एक क्वेश्चन नीट करना ना यार ये टी सी टी सी कितना? रूट थ्री टीसी बाई टू यही होगा अब मैं इन दोनों की यदि बात करता हूं ना जल डायरेक्शन में और दोनों इक्वल होने चाहिए मतलब टीएस बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री टी सी बाई टू मेरे को क्या कैलकुलेट करना है बेटा टीसी बाई टी एस चाहिए तो फ्रॉम हियर वी कैन से दीसी अपोन टी एस दिस वैल्यू इज वन अपोनेंट रूट थ्री बोला ओके okay. जैसे ही आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे डेल्टा एलसी अपोनेंट डेल्टा एल एस ये वाला डाटा वन अपोनेंट रूट थ्री ये अपने पास रूट थ्री और ये वाला डाटा कितना बेटा टू अब देखो रूट थ्री से रूट थ्री सही हो गया तो डेल्टा एल सी अपोन एल एस की वैल्यू आ गई टू तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मेरे पास आया दैट इज टू बोलो यस और नो ओके डियर तो हमने इस सेशन में ईयर हीट सिक्सटीन से सरफेस टेंशन और तक के क्वेश्चन डिस्कस किए और फाइनल जो है ना, मेरी तरफ से, इन चैप्टर्स के, लिए यही है। कि यदि आपको इन के अच्छे से मेमोराइज है तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपसे हिट हो जाएंगे बहुत ईजी गोइंग तरीके से थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज हो वो नॉलेजरी ट्यूब वाले क्वेश्चन किए थे थ्योरटिकल नॉलेज जरूरी है जैसे बट बाकी आपको इन चैप्टर्स के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए तो इनके क्वेश्चन इजिली हिट हो जाएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएंगे ओके okay, डियर